Begin with the homework discussion of the last class. Page number 304, question number 6D. Cancellation ka ek sum tha. Page 304, question number 6D. Cancellation ke upar sum tha, we had discussed. Cancellation ko apne ko kiske point of view se karna hai, customer. Aur cancellation matlab reverse transaction. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कस्टमर विथ होम द बैंक हैड एंटर्ड इनटू अ 3 month फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट हु हैड एंटर्ड इनटू अ परचेस कॉन्ट्रैक्ट बैंक तो कस्टमर क्या किया था सेल लैंग्वेज है अ कस्टमर विथ होम द बैंक हैड एंटर्ड इनटू अ 3 month परचेस कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो बैंक वाला परचेस किया था कस्टमर क्या किया था सेल अपने कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सम करते हैं कैंसिलेशन का और एक्सटेंशन का तो कस्टमर सेल किया था 3 month फॉरवर्ड 1 lakh Swiss franc at the rate of 36.25 1 lakh Swiss franc sell kiya tha 36.25 pe yani customer ko aana chahiye tha seedha 3 mahina baad comes to the bank after 2 months yani ki maturity ke 1 mahina pehle aa gaya and requests cancellation to pehle customer sell kiya tha to ab kya karega buy pehle wo sell kiya tha ab kya karega buy to in that case customer 1 month forward buy karega na एक महीना बचा 1 month फॉरवर्ड बाय ऑन दिस डेट द रेट सा तो 1 month फॉरवर्ड बाय रेट क्या है 36.52 ठीक है तो शुरू में कस्टमर सेल किया था 3 month फॉरवर्ड एट द रेट ऑफ व्हाट 36.25 बेचने का बात किया था पर 3 महीना के पहले 2 महीना बाद ही आ गया ओके बने 1 month प्रायर और उस समय कैंसिल कर रहे तो 1 month फॉरवर्ड बाय कर रहे हैं Buy 1 month forward at the rate of 36.52. तो कस्टमर को लॉस हो गया बेचा है नीचे दाम पे खरीदा है ऊपर दाम पे कस्टमर को लॉस हो गया है कितना लॉस हुआ है 27,000 कस्टमर को लॉस हुआ है 27,000 ओके रुपीज 27,000 का लॉस हुआ है ओके सो द सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन पेज नंबर एक लीडिंग एंड लैगिंग का था ना पेज नंबर कौन सा पेज नंबर पेज नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 102 पेज नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 102 पेज नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 102 पेज 78 क्वेश्चन नंबर 102 तो एमएनसी में लीडिंग एंड लैगिंग का क्वेश्चन था अ सिमिलर सम वी हैड डन समय दिया हुआ फॉलोइंग आर द कवर्ड आफ्टर टैक्स लेंडिंग एंड बोरिंग रेट्स फॉर 3 units ऑफ एन एमएनसी इन यूएस सिंगापुर एंड इंडिया यूएस सिंगापुर एंड इंडिया लैंडिंग रेट बोरिंग रेट दिया हुआ है वी नो दैट अगर सरप्लस हुआ तो लैंडिंग रेट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और डेफिसिट हुआ तो बोरिंग रेट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करेंटली सिंगापुर एंड इंडिया ओ $2 million एंड $3 million टू द यूएस पेरेंट तो सिंगापुर इज सपोज टू पे $2 million एंड इंडिया इज सपोज टू पे $3 million ठीक है तो सिंगापुर और इंडिया दोनों यूएस से कोई माल मंगाया होगा उसके कारण पेमेंट ड्यू है सिंगापुर यूनिट ऑल्सो हैज अ $1 million रिसीवेबल फ्रॉम इंडिया तो ये $1 million इंडिया टू सिंगापुर है $1 million द टाइमिंग ऑफ दीज पेमेंट्स कैन बी चेंज्ड अप टू 60 days का लीडिंग लैगिंग अलाउड है 60 days का या तो अभी या 2 महीने बाद इफ यूएस पेरेंट इज इन डेफिसिट यूएस का डेफिसिट है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो 5 यूएस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चल रहा है 5% While both Singapore and India have surplus, तो वो लोग का opportunity cost है 3.5 और 4.6, 3.5% and 4.6%, यानी वो लोग के पास अगर पैसा हुआ, तो वो लोग invest करेंगे, और US के पास अगर पैसा हुआ, तो वो कमती borrow करेगा, कमती borrow, ठीक है ना? Determine the MNC's optimal leading and lagging strategies. तो
तो आई वॉज टेलिंग यू दैट अपने को पूरे एंटिटी का फायदा देखना है, इसलिए जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हायर है उसके फेवर में डिसीजन। फेवर का मतलब होता है अगर वो रिसिपियंट है तो आज पैसा रिसीव करवाओ, अगर वो पेयर है तो बाद में पैसा पे कराओ, ठीक है। विच मीन्स फ्रॉम सिंगापुर टू यूएस, सिंगापुर टू यूएस जो पेएबल है उसमें सिंगापुर का 3.5% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यूएस का क्या 5, तो डिसीजन किसके फेवर में, यूएस, और यूएस वाला रिसीवर है तो कब रिसीव करेगा, आज। एंड योर आंसर विल बी सिंगापुर टू यूएस टुडे, सिंगापुर विल पे टू यूएस व्हेन, टुडे, आज पे करेगा, ठीक है। सिंगापुर विल पे टू यूएस टुडे, अगर आप ऐसा नहीं कराओगे, 2 महीना बाद पेमेंट कराओगे तो उस केस पे क्या होगा, यूएस के पास ये पैसा पहुंचा नहीं, तो पहुंचा नहीं तो $2 मिलियन कहीं और से बोरो किया, कौन से रेट पे, 5, तो एंटिटी का 5% नुकसान हो गया, और सिंगापुर के पास वो पैसा पड़ा हुआ रह गया, तो पड़ा हुआ रह गया तो वो इन्वेस्ट कौन से रेट पे किया, 3.5, तो क्या फायदा कि 3.5% से पैसा वहां पड़ा हुआ है और यहां पे दूसरा एंटिटी 5% पे बोरो कर रहा है, 1.5% का नुकसान है ना, वो अपने बचा सकते हैं इफ सिंगापुर पेज टू यूएस वेन टूडे, तो सिंगापुर शुड पे यूएस टूडे, दैट इज द आंसर। इंडिया टू यूएस, इंडिया टू यूएस फिर से किसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हायर है, यूएस का, और यूएस रिसीवर है, तो इंडिया शुड पे यूएस टूडे, सिंगापुर टू यूएस टूडे, इंडिया टू यूएस टूडे, इंडिया टू सिंगापुर, इंडिया टू सिंगापुर किसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हायर है, इंडिया का, तो इंडिया के फेवर में, और इंडिया पेयर है, कब पे करेगा, बाद में, इंडिया शुड पे सिंगापुर आफ्टर 2 months, ठीक है। तो अपना आंसर हो गया सिंगापुर टू यूएस कब, टूडे, इंडिया टू यूएस टूडे, और इंडिया टू सिंगापुर कब, बाद में, इंडिया टू सिंगापुर आफ्टर 60 days, ठीक है। दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट, वो पूछा आपका एडवाइस क्या है। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट इंपैक्ट ऑफ दीज एडजस्टमेंट। प्रॉफिट का मतलब होता है कंपेरेटिव सेविंग, कंपेरेटिव माने आपने जो एडवाइस किया सिंगापुर टू यूएस टूडे उसके बजाय ऑल्टरनेटिव क्या होता, सिंगापुर टू यूएस बाद में, तो उसके बजाय इसमें जो बेनिफिट है, जो सेव हो गया, उसको बोलते हैं बेनिफिट। तो वो तो सिंपली डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट निकालते हैं ना, जैसे 5 - 3.5, 5 - 3.5 1.5%, द होल ऑफ $2 million इंटू 2/12, 5 - 3.5, द होल परसेंटेज ऑफ $2 million इंटू 3/12, कितना आया, 5,000, $5,000, $5,000 का सेविंग सिंगापुर टू यूएस में। इंडिया टू यूएस में 4.6 - 5.4, 0.4% ऑफ $3 million इंटू 2/12, $2,000 का सेविंग, $2,000 का सेविंग। और इंडिया टू सिंगापुर में 4.6 - 3.5, द होल परसेंटेज ऑफ $1 million इंटू 2/12, 1833.33। सो टोटल सेविंग्स इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितना, 8833 आंसर, $8833 का आंसर, ठीक है। प्रॉफिट मतलब हो रहा है अगर आप ऐसा एडवाइस नहीं करते और उल्टा होता उस पर जो नुकसान होता वो बच गया, दैट्स द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो $8833 इज द टोटल प्रॉफिट। नंबर सी, इंडिकेट द चेंज इन द MNC स्ट्रेटजी इफ यूएस पेरेंट हैज सरप्लस कैश अवेलेबल। अगर यूएस वाले का सरप्लस है तो टेबल में, यूएस का सरप्लस मतलब उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4.5, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग 5 लिख रखे हैं, एक्चुअली क्या होगा 4.5, तो 4.5 होने से आप देखो सिंगापुर और यूएस में तो अभी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूएस का हायर है, नो चेंज। इंडिया और यूएस में चेंज हो गया, इंडिया का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, हायर, 4.6, मोर देन 4.5, तो इंडिया के फेवर में डिसीजन लेना है, और इंडिया पेयर है, कब पे करेगा, बाद में, यानी इंडिया शुड पे यूएस नॉट टूडे बट आफ्टर 2 months, आफ्टर 60 days, इंडिया शुड पे यूएस आफ्टर 60 days, वो आंसर है, ठीक है। यहां जो लिखे थे ना एडवाइस, तो इंडिया टू यूएस का एडवाइस चेंज हो गया, इट शुड बी आफ्टर 60 days, और सिंगापुर इंडिया में तो चेंज हुआ ही नहीं कुछ, तो वो आंसर वही है। तो सिंगापुर टू यूएस सेम, इंडिया टू यूएस आफ्टर 60 days, इंडिया टू सिंगापुर आफ्टर 60 days, ठीक है। तो ओके, उसके अलावा जो क्वेश्चन थे उन सबका आंसर दिया हुआ था, कहीं छोटा बहुत
मतलब सिली मिस्टेक का मिसप्रिंटिंग है, जैसे एक जगह 1051 यूनिट्स होगा और लिखा हुआ शायद 1.051, दैट इज ऑब्वियस, ठीक है. तो आई हैव वेरीफाइड दैट द आंसर्स टू द अदर क्वेश्चंस आर मैचिंग, ठीक है. सो आई एम स्ट्रेट अवे देन मूविंग इनटू फ्रेश डिस्कशन, ठीक है. लास्ट क्लास वी वर डूइंग अर्ली डिलीवरी, कैंसिलेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे, और हम बोला भी था वो बहुत इजी है, बिकॉज वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, कस्टमर. अर्ली डिलीवरी में थोड़ा झमेला है, उस झमेले को समझने के लिए इट वॉज रिक्वायर्ड दैट यू अंडरस्टैंड अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कॉल्ड स्वैप. तो यू रिमेंबर द लास्ट क्लास एंडेड विथ स्वैप, बाई सेल स्वैप मतलब बाई स्पॉट सेल फॉरवर्ड, सेल बाय स्वैप मतलब सेल स्पॉट बाय फॉरवर्ड, ठीक है ना. तो स्वैप से अपने एंड किए थे लास्ट क्लास, जो कि अर्ली डिलीवरी में काम आएगा, ठीक है. तो अर्ली डिलीवरी में स्वैप का काम आने वाला है, अभी अपने अर्ली डिलीवरी डिस्कस करते हैं, उसके अंदर ही उसका काम आ जाएगा. ओके, अर्ली डिलीवरी में सुनना प्लीज. अर्ली डिलीवरी में इट इज डन फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट कस्टमर, बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि बैंक वाला क्या कर रहे हैं. तो सपोज 1 जुलाई है, 1 जुलाई को एक इंपोर्टर है इंडिया का जो गुड्स मंगाया यूएस से, एंड ही हैज अ पेबल ऑफ $5 lakh आफ्टर 3 months. 1 जुलाई एन इंडियन इंपोर्टर हैज अ पेबल ऑफ $5 lakh आफ्टर 3 months. तो जाहिर है बैंक के पास जाके फॉरवर्ड क्या किया, बाय. बैंक के पास जाके फॉरवर्ड बाय, पर मैं सम करने वाला हूं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक. तो लेट मी से बैंक वाला उसको फॉरवर्ड सेल किया, बैंक वाला उसको क्या किया, फॉरवर्ड सेल. तो बैंक वाला अगर फॉरवर्ड सेल किया है तो इट्स अ लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन. शॉर्ट बेचा है, फॉरवर्ड सेल, सेल मींस व्हाट, शॉर्ट. तो बैंक वाले को रिस्क है, वो तो फॉरवर्ड सेल कर दिया, एक रेट लॉक हो गया, और रेट अगर बढ़ गया तब भी तो उसको नीचे दाम पे बेचना पड़ेगा. तो बैंक वाला कभी भी खुला पोजीशन रखता नहीं है. अगर एक रिटेल कस्टमर को डॉलर बेचने का बात करता है तो बाद में उसको इंटरबैंक मार्केट में क्या कर लेता है, बाय, समझ गया, दूसरे बैंक से होलसेल मार्केट में नीचे दाम पे बाई कर लेते हैं. आई एम शोइंग यू द व्हाट हैज हैपेंड. दिस इज बैंक ए, दिस इज बैंक बी, दिस इज बैंक सी, एंड दिस इज द कस्टमर. ओके, कस्टमर. तो कस्टमर जो है सबसे पहले बैंक ए के पास गया 1 जुलाई को, 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को कस्टमर 3 month फॉरवर्ड क्या किया, बाय. 3 month फॉरवर्ड एट द रेट ऑफ 47, एट द रेट ऑफ 47 पर डॉलर, रुपीज 47 पर डॉलर. यानी बैंक वाला क्या किया है, सेल. शॉर्ट किया लॉन्ग, शॉर्ट. ओके, अगर बैंक वाला कुछ नहीं करता है और 3 महीना वेट करता है तो उसको तो 47 पे देना पड़ेगा. तो अगर बाजार से खरीद के देगा, बजार में रेट 48-49 हो सकता है 3 महीने बाद, तो बैंक वाला डजंट डू ऑल दिस. वो जैसे ही कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो रिटेल इंटर बैंक मार्केट में गया, बैंक वाला इंटर बैंक मार्केट में गया, ये तो रिटेल मार्केट है ना. तो बैंक ए इंटर बैंक मार्केट में दूसरे बैंक से 3 month फॉरवर्ड बाई कर लिया, जाहिर है नीचे रेट पे, इंटर बैंक में तो बढ़िया रेट मिलता है ना. तो बैंक ए बैंक बी के पास गया और 3 month फॉरवर्ड बाई कर लिया, 3 month फॉरवर्ड बाय एट द रेट ऑफ 46.2, मन से लिख रहा हूं, एट द रेट ऑफ व्हाट, 46.2. इस रेट पे बैंक वाला बैंक ए बैंक बी से बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. नाउ लुक व्हाट हैज हैपेंड. बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग इज परफेक्टली हेज्ड. व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 3 months, बैंक ए बैंक बी से डॉलर लेगा 46.2 पे और वही वाला डॉलर कस्टमर को देगा 47 पे. व्हाट इज द बैंक गोइंग टू अर्न, 0.8. इज इट ओके, जो बोर्ड पे बैंक ए वाला 80 पैसा पक्का कमाने वाला है 3 महीने बाद, ठीक है. तो अब जो है, अगर कस्टमर 1 अगस्त को आ गया, कब आ गया, 1 अगस्त को. बिफोर आई स्पीक ऑल दिस, लेट मी टेल यू, आरबीआई गाइडलाइंस रिगार्डिंग अर्ली डिलीवरी आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट द बैंक ए शुड नॉट गेन अ सिंगल पेनी मोर, शुड नॉट लूज अ सिंगल पेनी एज अ रिजल्ट ऑफ अर्ली डिलीवरी. उसका 80 पैसा कमाने होने वाला था ना, अगर अर्ली डिलीवरी नहीं होता वो 80 पैसा कमाता. हम चाहते हैं रेगुलेशन ऐसा बनाए कि बैंक ए 80 पैसा ही कमाए, ना 85 पैसा ना 75 पैसा, एग्जैक्टली 80 पैसा बैंक ए शुड अर्न. दिस इज वॉट इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट आउटकम. नाउ सी हाउ इज इट इंश्योर्ड. 1 अगस्त को कस्टमर आ गया, 1 अगस्त को आने का बात कब था, 1 अक्टूबर.
और आगे कब है? 1 अगस्त, कितना महीना पहले? 2 महीना पहले, और बोल रहा है उसको आज ही चाहिए डिलीवरी। अर्ली डिलीवरी में द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कैंसल्ड, द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कैंसल्ड, इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन द अर्ली डिलीवरी डेट। ये 47 पे कस्टमर बाई करने का बात हुआ था ना, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा बट 1 अक्टूबर के बजाय कब होगा? 1 अगस्त। तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कैंसल्ड, ठीक है ना? तो इसलिए सिंस ये नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है? कौन से रेट पे? 47। कब? कौन से दिन? 1 अगस्त। 1 अगस्त को ही कस्टमर आके 47 पे ले लिया, 1 अगस्त को ही। बैंक वाला फंस गया बिकॉज बैंक ए को 1 अगस्त को दो टेंशन। टेंशन नंबर वन, कस्टमर आज ही डॉलर मांग रहा है, कहां से दे? टेंशन नंबर वन, तो स्पॉट बाई करके देगा। बैंक ए बाजार से बाई करके देगा ना कस्टमर को, कस्टमर आज ही खरीदने आ गए। और दूसरा, बैंक ए यहां फंस गया, देखो बैंक ए यहां फंस गया है बिकॉज बैंक ए ये वाला डॉलर, बैंक ए ये वाला डॉलर किसके लिए खरीदने का बात कर रखा था? कस्टमर। बैंक ए बैंक बी से 46.2 पे कस्टमर के लिए खरीदने का बात कर चुका था, बट कस्टमर तो 1 अगस्त पे आके ही ले गया, तो क्या कस्टमर 1 अक्टूबर को फिर से लेगा? नहीं। तो इसका मतलब बैंक ए का तो ये खुला लॉन्ग पोजीशन, खुला बैंक ए का वाला, ये वाला पोजीशन खुला रह गया बिकॉज वो तो बेचने वाला नहीं है कस्टमर को। तो बैंक ए को, उसको पता चल गया 1 अगस्त को यार कि मेरा फालतू में 1 अक्टूबर को बैंक बी से खरीदने का है। और बैंक टू बैंक कैंसिलेशन नहीं होता है, कोई आरबीआई गाइडलाइंस नहीं है, माने इफ यू थिंक दैट ये भी कैंसिल कर दो, इट डजंट हैपन। तो इन दैट केस बैंक ए को जब पता है उसका खुला पोजीशन है तो आज ही वो क्या करेगा, और लॉन्ग फॉरवर्ड में कि शॉर्ट? शॉर्ट, वो तो फॉरवर्ड में लॉन्ग हो रखा है, वो क्या करेगा? शॉर्ट। कितना मंथ फॉरवर्ड शॉर्ट? 2 मंथ फॉरवर्ड शॉर्ट ना। तो बैंक ए विल हैव टू डू 2 थिंग्स ऑन 1 अगस्त। नंबर वन, इट हैज टू बाय डॉलर स्पॉट टू गिव इट टू द कस्टमर, एंड नंबर टू, इट हैज टू सेल डॉलर 2 मंथ फॉरवर्ड टू कवर इट्स ओल्ड फॉरवर्ड परचेस, टू कवर इट्स ओल्ड फॉरवर्ड परचेस। यानी बैंक ए हैज टू बाय स्पॉट एंड सेल फॉरवर्ड, बाय स्पॉट एंड सेल फॉरवर्ड, कौन सा स्वैप? बाय सेल स्वैप। बैंक ए हैज टू बाय स्पॉट एंड सेल फॉरवर्ड, इट्स अ बाय सेल स्वैप ना। तो बैंक ए बैंक सी के पास गया और जाके वहां पे बाय सेल स्वैप किए, बाय सेल स्वैप, ओके, बाय किया स्पॉट, बाय किया स्पॉट, ओके, बाय किया स्पॉट, बाय स्पॉट सपोज एट द रेट ऑफ, ओके, बाय स्पॉट एट द रेट ऑफ 48.1। मैं मान रहा हूं स्पॉट रेट बढ़ चुका है, 1 अगस्त को स्पॉट रेट चल रहा है 48.1, ठीक है? तो और सेल किया है फॉरवर्ड, सेल किया है फॉरवर्ड, तो सेल जो किया है फॉरवर्ड उसमें क्रॉस एडजस्टमेंट ऑफ स्वैप पॉइंट होता है ना। एक बार तुम लोग से रेट पूछ रहा हूं मैं, रेट देखना प्लीज। बैंक सी कोट किया उसको रूपी पर डॉलर, बैंक सी कोट किया उसको रूपी पर डॉलर 1 अगस्त को 47.80/48.10। ये 1 अगस्त का कोटेशन है, किसका? बैंक सी का। बैंक सी के पास कौन गया? बैंक ए। और 2 मंथ फॉरवर्ड स्वैप पॉइंट्स, 2 मंथ फॉरवर्ड स्वैप पॉइंट्स इज सपोज 80-90, ओके। तो बाय सेल स्वैप है, बाय सेल स्वैप जो लास्ट क्लास किए थे, तो बाय सेल स्वैप में ऐसे होता है ना, बाय सेल स्वैप में बाय स्पॉट एंड सेल फॉरवर्ड, सेल फॉरवर्ड का 48.1 प्लस 80 पैसा 48.9। तो कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं फॉरेक्स में, केवल स्वैप में करते हैं, ठीक है? बाय सेल और सेल बाय, तो बाय सेल स्वैप 48.1 पे बाय किया और सेल किया 48.9 पे, 48.1 प्लस 80 पैसा। तो मैं वहां पे लिख रहा हूं सेल किया 48.9 पे, ठीक है? सेल किया 48.9 पे, सेल हाउ मेनी मंथ फॉरवर्ड? 2 मंथ फॉरवर्ड, सेल 2 मंथ फॉरवर्ड एट द रेट ऑफ 48.90, ठीक है? एट द रेट ऑफ 48.90, ये टोटल में हुआ है। ये ट्रांजैक्शंस को नंबरिंग दे रहा हूं, दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू, दिस आई एम नॉट काउंटिंग एज नंबर थ्री बिकॉज ये और ये तो एक ही है। 47 पे जो कस्टमर खरीदने वाला था वही तो खरीदा है ना, तो इसको नाम नहीं दे रहा हूं। This is transaction number 3, spot. This is transaction number 4. Total में 4 transaction board पे हुए। इनमें से
कितना ट्रांजैक्शन ऐसे भी होने वाला था, दो कौन कौन सा, वन एंड टू तो होना ही था, कौन सा एक्स्ट्रा हुआ है, थ्री एंड फोर अर्ली डिलीवरी के कारण हुआ है। तो थ्री एंड फोर में देखो, बैंक वाला बाई किया है स्पॉट 48.1 और सेल किया है फॉरवर्ड 48.9, तो बैंक वाला बाई किया है स्पॉट, सेल किया है फॉरवर्ड, भाव दिख रहा है, बैंक को फायदा हुआ है घाटा हुआ, फायदा हो गया, बाई किया स्पॉट सस्ते में, सेल किया फॉरवर्ड ज्यादा में, स्वैप गेन या स्वैप लॉस, गेन कितना पैसा, 80 पैसा इंटू 5 लाख, 4 लाख रुपया का फायदा, 4 लाख रुपया का फायदा हुआ है स्वैप में। ये फायदा उसको नहीं होने वाला था ना, अर्ली डिलीवरी के कारण हुआ, ये फायदा वो कस्टमर को पास ऑन करेगा, कस्टमर को पास ऑन करेगा। प्लीज उल्टा मत सोच जाए कस्टमर के फेवर में, मैं बोल रहा हूं अगर घाटा होता स्वैप में, क्या होता घाटा, किससे लेता, कस्टमर से, इट इज सो फेयर। बैंक इज सपोज टू अर्न ओनली दिस पार्ट, दिस जो भी एक्स्ट्रा होगा, लकीली बैड लक व्हाटएवर, वो सल्टाओ किसके साथ होगा, कस्टमर। तो स्वैप में बैंक वाला एंटर नहीं करने वाला था, कस्टमर के कारण एंटर किया, अगर फायदा हो गया तो जाएगा कस्टमर के पास, लॉस हो गया तो किसके पास आएगा, कस्टमर के पास, ठीक है, इट्स अ फेयर गेम। उसके अलावा प्लीज अंडरस्टैंड, अगर अर्ली डिलीवरी नहीं होता तो बैंक का कैश इनफ्लो, बैंक ए का कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कब होने वाला था, 1 अक्टूबर, कैश जो है इनफ्लो आउटफ्लो तो 3 महीने बाद होता, बट बिकॉज ऑफ अर्ली डिलीवरी 1 अगस्त को ही इनफ्लो आउटफ्लो हो गया है। 1 अगस्त को, एक तो ये 47 देखो जो मैंने डैश दिया ना, ये जो 47 पे कस्टमर कब बाई करने वाला था, 1 अक्टूबर, और कस्टमर बाई कब कर लिया है, 1 अगस्त, तो बैंक के पास तो 47 पहले आ गया, 47 इंटू 5 लाख उतना रुपया 1 अगस्त को आ गया, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक को फायदा, फ्रॉम अ टाइम वैल्यू परस्पेक्टिव, बाद में पैसा आने वाला था, घर में आज ही पैसा आ गया तो ब्याज का फायदा ना, पर बैंक को भी तो कस्टमर के लिए आज ही खरीदना पड़ा, बैंक ए को कस्टमर के लिए 1 अगस्त को खरीदना पड़ा, कौन से रेट पे, 48.1 पे, तो 48.1 बैंक ए का आउटफ्लो और 47 बैंक ए का इनफ्लो, फालतू का 1 अगस्त को नहीं होना चाहिए था ये सब, पर हुआ है, आउटफ्लो हुआ है 48.1, इनफ्लो हुआ है 47, व्हाट इज द नेट इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो 1.1, आउटफ्लो 1.1 माने 5.5 लाख, 5 लाख इंटू 1.1 कितना, 5.5 लाख का नेट कैश आउटफ्लो ऑन 1 अगस्त बिकॉज ऑफ होम कस्टमर, 5.5 लाख रुपया कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, 5.5 लाख का इंटरेस्ट, 5.5 लाख का इंटरेस्ट कितने महीने का, दो महीने बचा हुआ ना, तो 5.5 लाख का इंटरेस्ट बैंक वाला कस्टमर से चार्ज करेगा, 5.5 लाख का इंटरेस्ट बैंक वाला कस्टमर से चार्ज करेगा। तो पूरे अर्ली डिलीवरी के सम में, मैंने काश कोई कंसेप्चुअली समझे, द इंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस इज टू इंश्योर दैट अगर कस्टमर अचानक से आके बैंक को शॉक दे रहे हैं, हमको तो आज ही डॉलर चाहिए, तो वो शॉक का फायदा घाटा कौन उठाए, कस्टमर, बैंक वाला शुड नॉट स्टैंड टू गेन, शुड नॉट स्टैंड टू लूज, एंड यू विल फाइंड दैट जो भी डिस्कस किए उसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव यही था कि बैंक वाले को जो एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन करना पड़ा 3 एंड 4, उसका फायदा घाटा कस्टमर से सल्टा दिए, उसके अलावा बैंक का जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाइज भी कुछ इफेक्ट हो रहा है, उसका भी इंटरेस्ट कस्टमर से सेटल करा रहे ना। एक डाउट फालतू में किसी किसी को रह जाता है अगर ये नहीं समझाऊं तो मैं ऑफ ट्रैक जाके एक और चीज समझा रहा हूं, सुनना प्लीज। हम एक शेयर है वो बाई किया 500 पे, ओके, T1 पॉइंट ऑफ टाइम बाई किया 500 पे, T2 पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस से उस शेयर को बाई किया 620 पे, ध्यान देना मैं 2 बार बाई किया हूं, T3 पॉइंट ऑफ टाइम पे उस शेयर को बेचा 700 पे और T4 पे फिर से बेचा 800 पे, ठीक है, दिस इज माई बाई रेट्स एंड दीज आर माई सेल रेट्स। मैंने एक शेयर है पहले बाई किया 500 पे, फिर और एक शेयर बाई किया वही वाला 620 पे, फिर बेचा एक शेयर को 700 पे, दूसरे को कितने पे, 800 पे, हो गया स्टोरी खत्म। प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है? देखो बोर्ड पे कितना, 380 क्या, 500 से 700 कितना प्रॉफिट, 200, और 620 से 800 कितना, 180, टोटल 380 प्रॉफिट है, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। तो तुम लोग प्रॉफिट सपोज ऐसे बोल रहे हो कि सर देखिए ये वाला प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट ना, 380 एकदम करेक्ट आंसर है, कोई बात ही नहीं है। अब कोई बोलता है कि सर व्हाट अबाउट द फैक्ट दैट 620 पे खरीदा और 700 ही बेचा, ये तो गलत बोल रहे ना, 500 पे खरीदा 700 ही बेचा 200 का प्रॉफिट खत्म, 620 पे खरीदा 800 ही बेचा कितना प्रॉफिट, 180 का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना, 380। अब कोई बोल रहा है कि सर व्हाट अबाउट 620 पे खरीदा 700 ही बेचा, दिस इज टोटली रॉन्ग,
because you can compare one buy with one sell. You can compare one buy with one sell. 620 ko to 800 se compare kar diye na. How can you compare 620 with 700? Double counting ho raha hai. Agar aapko compare karne ka ichcha hai hi ki nahi sir hum isko hi compare karenge to fir usko isse compare karo. Tabhi to 380 aa raha dekh lo. 620 pe khareede 700 pe beche kitna profit 80. 500 pe khareede 800 pe beche kitna profit 300. Total profit 380. तो एक बाई को एक सेल से ही कंपेयर किया जा सकता है. मैंने ये क्यों बोला इसलिए बिकॉज ध्यान देना कुछ कुछ स्टूडेंट्स बाद में सोचते हैं कि सर ओके सम स्टूडेंट्स थिंक लेटर ऑन दैट सर 48.1 पे बैंक वाला बाई किया 48.1 पे बैंक वाला बाई किया और 47 पे बेचा वो जो एक रुपया दस पैसा का लॉस हुआ बैंक को 550,000 वो आप कस्टमर से क्यों नहीं ले रहे. नाउ दिस इज रॉन्ग because 48.1 को already 48.9 से compare किया था ना. 48.1 पे buy 48.9 पे sell तभी तो 80 पैसा 4 लाख का profit निकाला था. तो once you have compared this with this you can't go on comparing this with this. वो वही गलती हो जाएगा जो पिछले stock में हो रहा था. समझ गया. तो 550,000 is a cash outflow, it is not a loss. ठीक है. तो वो कोई किसी को नहीं देगा, उस पर क्या होगा ब्याज. ठीक है. तो जो gain loss है वो ये swap का है. स्वैप में गेन हुआ बैंक वाला कस्टमर को देगा, स्वैप में लॉस हुआ बैंक वाला कस्टमर से लेगा. तो दिस इज द केस ऑफ अर्ली डिलीवरी. ठीक है. सिंस अपने नंबर्स पे चले गए तो प्लीज ट्राई. मैं एक बार फ्लुएंटली पूरा का पूरा डिस्कशन बोल रहा हूं कंसेप्चुअली. ठीक है. ट्राई टू सी दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट और नॉट. फिर डिक्टेट करूंगा. अर्ली डिलीवरी इज डन फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू. इन द केस ऑफ अर्ली डिलीवरी द ओल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर. The old forward contract with the customer, which one? Kaunsa? One. Number one. Is not cancelled. Is not cancelled. It is executed. It is executed at the old contractual rate on the early delivery date. It is executed at the old contractual rate. 47 pe hi to hua hai. Okay, 1st August ko customer aa gaya khareedne. To hum log bazaar ke bhav pe thodi khareedwaye. Wo jo baat tha usi bhav pe khareedwaye. So it is executed at the old contractual rate on the early delivery date. To make this happen, the bank has to enter into a buy-sell swap. Which swap? Buy-sell swap if it is an importer type sum. If it is an importer type sum, because importer khada ho jaye khareedne ke liye, to bank wale ko to bazaar se khareed ke dena padega na. To buy-sell swap. In the swap, if there is a profit, the bank will transfer to the importer. If there is a loss, the bank will charge from the importer. Ye ek hisab dikhana hai. दूसरा हिसाब. देर विल बी अ नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फॉर द बैंक ऑन द डेट ऑफ अर्ली डिलीवरी. इफ देर इज अ नेट इनफ्लो टू द बैंक तो बैंक विल पे इंटरेस्ट. इफ देर इज अ नेट आउटफ्लो बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट. ये तो ऑब्वियस है. अगर दो दो इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा 10% 12% 10% 12% तो बैंक वाला इंटरेस्ट कौन से रेट पे देगा 10. और अगर चार्ज करेगा तो कौन सा 12. वो तो होना ही है. ठीक है. तो केवल दो हिसाब है, एक तो स्वैप गेन और एक तो ब्याज का. अर्ली डिलीवरी में वो दिखाना पड़ता है. ठीक है ना. ओके. इसमें से 1, 2, 3, 4 में से कौन कौन सा ट्रांजैक्शन रिटेल ट्रांजैक्शन है. ओनली वन. वन इज रिटेल ना. एंड 2, 3 एंड 4 आर व्हाट. इंटरबैंक होलसेल मार्केट में बैंक टू बैंक के बीच में. ठीक है. सो आई विल नाउ डिक्टेट. उसके बाद अपने रफ में ये ड्रॉ कर लेंगे बिकॉज इसके हेल्प से समझे. उसके बाद एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे जिससे प्रैक्टिस हो जाए. लिखना प्लीज. Early delivery problems are to be done from the bank's point of view. Early delivery problems are to be done from the bank's point of view. Early delivery problems are to be done from the bank's point of view. Full stop. In case of early delivery, comma, the old forward contract with the customer. The old forward contract with the customer, जो अपना 47 का contract था, the old forward contract with the customer is क्या लिखा है, cancelled or not cancelled?
not cancelled, is not cancelled, is not cancelled, full stop. Instead it is executed, it is executed at the old contractual rate, it is executed at the old contractual rate, 47 pe hi customer khareedega, at the old contractual rate on the early delivery date, on the early delivery date, it is executed at the old contractual rate on the early delivery date, 1st August ko, on the early delivery date, full stop. Parachange, to make this happen, parachange, to make this happen, to make this happen, comma, bank has to enter into, to make this happen, comma, bank has to enter into a buy sell swap, bank has to enter into a buy sell swap, buy sell swap kaun se type ke sum mein hoga, importer, likh do bracket, importer type sum, buy sell swap bracket importer type sum, because importer अचानक से आ जाता है खरीदने, तो बैंक को बाजार से खरीदना पड़ता है ना, बाई सेल स्वैप, और अ सेल बाई स्वैप, और अ सेल बाई स्वैप, और अ सेल बाई स्वैप ब्रैकेट कौन से टाइप सम में, एक्सपोर्टर, सेल बाई स्वैप ब्रैकेट एक्सपोर्टर टाइप सम, एक्सपोर्टर अचानक से बैंक को 5 लाख डॉलर दे जाएगा, तो बैंक वाला बेचारा डॉलर क्या करेगा, सेल, तो सेल बाई, ठीक है, फुल स्टॉप. Swap gain oblique loss, swap gain oblique loss shall be adjusted with the customer, swap gain oblique loss shall be adjusted with the customer, swap gain oblique loss shall be adjusted with the customer, swap gain oblique loss shall be adjusted with the customer, full stop. Moreover, there will be interest payment on the net cash flow, there will be interest payment on the net cash flow due to early delivery, interest payment on the net cash flow, there will be interest payment on the net cash flow due to early delivery, due to early delivery, theek hai. ऐसा करना है, ऑफ कोर्स आपको समझ में आ रहा होगा, सब में रेट्स इंफॉर्मेशन ज्यादा होगा, बिकॉज रिटेल का रेट देना पड़ेगा और किसका, होलसेल का, ठीक है. तो आप लोग पहले ये कॉपी कर लो, बिकॉज इसके हेल्प समझें अपने, प्लीज लॉजिकली कॉपी करना, मतलब कस्टमर बैंक ए बैंक बी बैंक सी बना लो पहले, कस्टमर बैंक ए बैंक बी बैंक सी, ठीक है, एंड कॉपी इन सच अ मैनर दैट आपको पूरा रिवाइज करने का मौका मिले. तो सबसे पहले कस्टमर जो है बैंक से 1 जुलाई को 3 मंथ फॉरवर्ड बाय, ओके, 1 जुलाई को 3 मंथ फॉरवर्ड बाय 47, 3 मंथ फॉरवर्ड बाय 47 पे बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, 3 मंथ फॉरवर्ड बाय 47, तो बैंक वाला तो शॉर्ट पोजिशन हो गया, कस्टमर बाय किया लॉन्ग, बैंक वाला तो शॉर्ट है, तो बैंक वाला इसको हेज करने के लिए क्या गया, लॉन्ग, तो बैंक ए उसी समय 3 मंथ फॉरवर्ड बाय नीचे वाले भाव पे, इंटर बैंक में तो नीचे मिल जाएगा, बैंक वाला 3 मंथ फॉरवर्ड बाय एट 46.2, 3 मंथ फॉरवर्ड बाय 46.2, ये दोनों ट्रांजैक्शन इंटैक्ट है, यही दोनों होना चाहिए था, 80 पैसा बैंक वाले को अर्न करना चाहिए था, बट अचानक से कस्टमर 1 अगस्त को डैश 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 दिखाया है, बिकॉज ये नया ट्रांजैक्शन नहीं है ना, ओल्ड का एग्जीक्यूशन है, तो आई हैव शोन डैश 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 47 पे कस्टमर 1 अगस्त को आके लिया, उसको आना चाहिए था 1 अक्टूबर को, वो आ गया 1 अगस्त को ही ओल्ड रेट पे लेने, ठीक है, 1 अगस्त को कस्टमर आया 47 पे लेने, तो बैंक वाले को बाय सेल स्वैप करना पड़ा, ओके, बैंक वाले को बैंक सी के साथ बाय सेल स्वैप, तो बाई सेल स्वैप में हमने लिखा है, थर्ड स्टेप है बाई स्पॉट एट 48.1, ओके, बाई स्पॉट एट 48.1,
बाई स्पॉट एट 48.1, और ये वाला जो बाई किया हुआ उसको कवर करने के लिए सेल 2 मंथ फॉरवर्ड एट 48.9, सेल 2 मंथ फॉरवर्ड एट 48.9, सेल 2 मंथ फॉरवर्ड एट 48.9, इसको स्टेप 4 लिखे, ट्रांजैक्शन नंबर 4, सेल 2 मंथ फॉरवर्ड एट 48.9, सेल 2 मंथ फॉरवर्ड एट 48.9, ठीक है, ओके। तो ग्राफ में जो लिखना था लिख दिए अपने, ग्राफ के बाहर आके स्वैप गेन, स्वैप गेन, स्वैप में जो फायदा हुआ बैंक को, स्वैप गेन 48.9 माइनस 48.1, 48.9 माइनस 48.1 द होल इनटू 5 लाख डॉलर्स मांग रहे, मान रहे हम 48.9 माइनस 48.1 द होल इनटू 5 लाख, 48.9 माइनस 48.1 द होल इनटू 5 लाख, बोलो 4 लाख, तो 4 लाख रुपया कौन किसको देगा? बैंक वाला कस्टमर को, फायदा हुआ है, लॉस होता तो कस्टमर से लेता, लाइक द डैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक टू कस्टमर, 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 ओके। नेक्स्ट लाइन, नेट कैश आउटफ्लो फॉर द बैंक ऑन फर्स्ट अगस्त, नेट कैश आउटफ्लो फॉर द बैंक ऑन फर्स्ट अगस्त, नेट कैश आउटफ्लो फॉर द बैंक ऑन फर्स्ट अगस्त, आउटफ्लो बिकॉज हम लोग पहले से डिस्कस कर लिए थे, क्या पता इनफ्लो होता, बैंक वाला परचेस किया है 48.1 पे और कस्टमर को ओल्ड रेट पे दिया 47 पे, तो नेट कैश आउटफ्लो इक्वल टू कर दो दिस माइनस दिस, 48.1 माइनस 47, 48.1 माइनस 47 द होल इनटू 5 लाख, 48.1 माइनस 47 द होल इनटू 5 लाख इज इक्वल टू रुपीज 5,50,000, कोई किसी को नहीं देगा, 5,50,000 पे ब्याज का बात है, ठीक है, तो 550 बैंक का आउटफ्लो हुआ है, तो बैंक वाला इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना, लिख दो बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट, बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट, बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट से एट द रेट ऑफ, से एट द रेट ऑफ 10%, से एट द रेट ऑफ 10% डैश 10% ऑफ 5,50,000, 10% ऑफ 5,50,000 इंटू 2/12, 10% ऑफ 5,50,000 इंटू 2/12 राउंडेड ऑफ, 10% ऑफ 5,50,000 इंटू 2/12 9,167, तो 9,167 बैंक वाला इंटरेस्ट चार्ज करेगा कस्टमर से, 9,167, ठीक है, ओके। अब एक्चुअल सम में कैसे दिया रहेगा इंफॉर्मेशन उससे प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्लीज कम टू द सम पेज नंबर, पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 53, पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 53, पेज 60 क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन ऑफ 53, ओके। बिफोर आई रीड द क्वेश्चन, देखो टेबल दिया हुआ है, एक तो टेबल उसमें डेट है, फिर पर्टिकुलर्स है, फिर रिटेल है, तो एक कॉलम उसमें और बनेगा राइट साइड में इंटरबैंक, रिटेल के बगल में और एक कॉलम बनेगा इंटरबैंक, इंटरबैंक वहीं पे मैट में ही बना लो बिकॉज तब जाए कंपेयर कर पाओगे, तो इंटरबैंक वाला कॉलम जो मिस हो गया, इंटरबैंक का रेट्स जो है मैं बता रहा हूं फर्स्ट जैन को और फर्स्ट फेब को, ठीक है ना, तो फर्स्ट जैन को जो इंटरबैंक रेट है, ओके स्पॉट रेट, फर्स्ट जैन को स्पॉट रूपी पर डॉलर, वो तो खैर पर्टिकुलर्स में लिखा हुआ ही है, तो वो रेट जो है दैट आई एम राइटिंग 45.35/45.55, ठीक है, तो ऑल्दो ये रेट दिया रहेगा बट जस्ट टू डिस्कस विथ यू बिकॉज यू आर एट द सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंटरबैंक रेट बढ़िया होना चाहिए ना, तो अगर आप लोग ठीक से देखोगे रिटेल मार्केट में डॉलर बेचने का रेट 45.3 था,
कोई कस्टमर बेचने जाएगा, डॉलर क्या रेट दिया हुआ था 45.3, मैंने यहां पे क्या लिखा है 45.35, बढ़िया लिखा है ना ऊपर, और खरीदने का रेट रिटेल मार्केट में 45.6 था, मैंने यहां पे क्या लिखा है सस्ता। ओके, दोनों तरफ से बढ़िया रेट लिखा है, खैर वो दिया रहेगा, बट जस्ट टू शेयर विद यू। नेक्स्ट स्वैप पॉइंट सेम लिख दो जिससे झमेला नहीं हो। स्वैप पॉइंट कितना है 90/110, सेम लिखने का मतलब ये नहीं कि सेम होता है, इट कुड बी डिफरेंट, बट आई डोंट वांट टू चेंज द रेट्स टू मच कि जिससे कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना। तो 90/110। नेक्स्ट फर्स्ट फेब का रेट्स, स्पॉट रूपी पर डॉलर फर्स्ट फेब को, आई एम राइटिंग दिस एज 46.15/46.25, और स्वैप पॉइंट्स को सेम लिख दो, कितना है 70/80। ठीक है, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन 1st January एन इंडियन इंपोर्टर परचेस्ड, डॉलर्स 1 लाख होगा, ऑन 1st January एन इंडियन इंपोर्टर परचेस्ड डॉलर्स 1 लाख, प्लीज राइट डाउन, इंडियन इंपोर्टर परचेस्ड डॉलर्स 1 लाख 3 मंथ फॉरवर्ड, डॉलर्स 1 लाख 3 मंथ फॉरवर्ड, जाहिर है कौन से मार्केट से, रिटेल या होलसेल? रिटेल मार्केट से इंडियन इंपोर्टर परचेस किया, बताइए रेट कौन सा रिटेल में देखे, 3 मंथ फॉरवर्ड परचेस किया है, रिटेल मार्केट में देख के बताना, 45.60 प्लस 1 रुपया 10 पैसा, 46.70 ना, 45.60 प्लस 1 रुपया 10 पैसा, 3 मंथ फॉरवर्ड बाय, तो कस्टमर 3 मंथ फॉरवर्ड बाय किया है 46.7, माने बैंक वाला क्या किया है, सेल शॉर्ट है। हाउएवर ऑन 1st Feb, उसको तो आना चाहिए था सीधा 3 महीना बाद, बट ऑन 1st Feb ही कम्स फॉर अर्ली डिलीवरी, तो बोल रहा है उसको 1st Feb को ही 1 लाख डॉलर चाहिए, ठीक है, बात हुआ था 1st April का, 1st Feb को आ गए। इफ 2 मंथ इंटरेस्ट रेट था 8/9, वो अपने को पता है, अगर बैंक वाला इंटरेस्ट दिया तो कौन से रेट पे 8, और लिया तो कौन से रेट पे 9। शो द मेथड ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर, यूज द फॉलोइंग कोटेशन, ठीक है, डिस्कस करते हैं ठीक से। एक रेट समझ में आ गया कि कस्टमर बैंक से भाव में एंटर किया था 45.6 प्लस 1 10, कितना 46.7, बैंक वाले का शॉर्ट पोजीशन हो गया, तो बैंक वाला तुरंत उसी समय इंटर बैंक मार्केट में जाके लॉन्ग गया ना, बैंक वाला उसी समय इंटर बैंक मार्केट में जाके फॉरवर्ड बाई किया, तो देख लो इंटर बैंक मार्केट में 45.55 प्लस 1.1 कौन सा 46.65। ओके, तो 46.65 पे बैंक वाला जाके दूसरे बैंक से खरीदने का बात कर लिया, और कस्टमर को बेचने का बात कौन से रेट पे किया है 46.7, तो वहां पे कितना पैसा लॉक इन, 5 पैसा, दैट इज लॉक्ड इन, बैंक वाले को उतना अर्न करना ही चाहिए, ठीक है। तो अब ये 1st January का हिसाब किताब, अब 1st Feb को कस्टमर आ गया खरीदने डॉलर्स, तुम लोग को याद हो डॉलर्स किस पे खरीदता है, ओल्ड रेट पे, यानी वो तो खरीदेगा कौन से रेट पे 46.7, ठीक है, तो ये नया ट्रांजैक्शन हुआ कि एग्जीक्यूशन ऑफ ओल्ड, ठीक है ना। बैंक वाले को उस दिन करना पड़ेगा कौन सा स्वैप, बाई सेल स्वैप का रेट तुम लोग बताने वाले हैं, देखो बोर्ड को, बाई सेल स्वैप का रेट दिख रहा है, बाई कौन से रेट पे 46.25, और सेल कौन से रेट पे 46.25 प्लस 0.7, क्रॉस होता है 46.25 प्लस 0.7 46. तो बैंक वाला बाई सेल स्वैप किया, बाई स्पॉट 46.25 जिससे कस्टमर को दे सके डॉलर, और सेल 2 मंथ फॉरवर्ड एट 46.95, तो बैंक वाले को यहां पे 70 पैसे का फायदा, वो 70 पैसा इंटू 1 लाख 70,000 रुपया, 1 लाख डॉलर था ना, तो 70,000 रुपया किसको दिया, कस्टमर को 70,000 रुपया देगा। और उसके अलावा इनफ्लो आउटफ्लो का जहां तक बात है, बैंक का 46.25 आउटफ्लो हो गया 1st August को, 46.25 क्या हो गया आउटफ्लो, और इनफ्लो ओल्ड रेट पे, कस्टमर जो खरीदने का बात था कौन से रेट पे खरीदा है 46.7 बैंक के पास आया, और बैंक को खरीदना पड़ा 46.25, बैंक का गया, आया 70 पैसा, गया 25 पैसा, कितना फायदा नहीं, कितना इनफ्लो, कितना 45 पैसा, 46.7 आया, 46.25 गया, कितना नेट इनफ्लो 45 पैसा ना, तो 45 पैसा इंटू 1 लाख कितना 45,000 पे 2 महीने का ब्याज, ओके
वो चार्ज करेगा कि देगा? देगा ना, इनफ्लो हुआ है, बैंक का इनफ्लो हो गया है, आउटफ्लो हुआ है 46.25 और इनफ्लो हो गया 46.7, तो नेट में तो इनफ्लो हो गया, इनफ्लो हो गया तो इंटरेस्ट 45,000 पे देगा ना, कौन से रेट पे? 8% पे इंटरेस्ट देगा, 600 रुपया इंटरेस्ट देगा। ये सारा चीज अपने को दिखाना है, स्वैप का पार्ट और इंटरेस्ट का पार्ट दिखाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। अगर इमेजिन करो तीन कॉलम बनाते हैं, एक कॉलम डेट, दूसरा ट्रांजैक्शन विद द कस्टमर, तीसरा ट्रांजैक्शन विद द मार्केट। एक डेट और एक ट्रांजैक्शन विद द कस्टमर और तीसरा ट्रांजैक्शन विद द मार्केट, तो बेसिकली सारा चीज टेबल के अंदर ही दिख जाएगा, ठीक है। और लैंग्वेज भी कम थी यूज करना पड़ेगा, तो लेट्स डू इट दैट वे। लिखना प्लीज, पहला कॉलम डेट, और दूसरा कॉलम ट्रांजैक्शन विद द कस्टमर ट्रांजैक्शन विद द कस्टमर और तीसरा कॉलम ट्रांजैक्शन विद द मार्केट जो इंटरबैंक में कर रहे हैं, विद द मार्केट, ठीक है। तो पहला वाला डेट 1st Jan को बैंक वाला कस्टमर के साथ क्या ट्रांजैक्शन किया था बताना। बैंक वाला क्या किया था? सेल। कस्टमर बाई किया था, सम चालू हुआ, बैंक वाला क्या किया? सेल। 3 मंथ फॉरवर्ड बेचा था ना, कस्टमर बाई किया था, याद है कौन से रेट पे? 45.60 प्लस 1 रुपया 10 पैसा, 46.7, ठीक है ना। तो लेट्स राइट दैट, सेल 3 मंथ फॉरवर्ड एट द रेट ऑफ 45.60 प्लस 1.10 इक्वल टू 46.70 रिटेल मार्केट। सेल 3 मंथ फॉरवर्ड 45.60 प्लस 1.1 46.70, तो बैंक का लॉन्ग पोजीशन की शॉर्ट, ओके शॉर्ट हो गया। तो बैंक वाला इंटरबैंक में क्या गया? लॉन्ग, लिख दो बाय थ्री मंथ फॉरवर्ड एट द रेट ऑफ ये जो था 45.55 प्लस 1.1 46.65, लिख दो 45.55 प्लस 1.1 इज इक्वल टू 46.65। तो परफेक्ट है बैंक के लिए, नीचे पे खरीद के ऊपर बैंक को कस्टमर को बेचेगा। तो ये सब होना चाहिए था 3 महीना बाद, बट कस्टमर आ गया 1st Feb को, 1st Feb को आ गया। तो 1st Feb को कस्टमर उसी दाम पे खरीदेगा जो बात था। ये नया ट्रांजैक्शन है कि पुराना वाला? इसलिए लिख देते हैं, इसके अंदर लिखो, इस कॉलम में सेटलमेंट ऑफ ओल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अर्ली डिलीवरी। सेटलमेंट ऑफ ओल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अर्ली डिलीवरी टू द कस्टमर एट 46.7 ये तो कैश इनफ्लो है बैंक के लिए। ये बैंक के लिए क्या? कैश इनफ्लो, पैसा आज ही आ गया। इसके लिए बैंक को करना पड़ा कौन सा स्वैप? बाय सेल स्वैप। तो लास्ट कॉलम में लिख दो बाय सेल स्वैप में, ठीक है। फिर इससे रेट्स दिखाए थे, रेट्स याद है ना, बाय सेल स्वैप का ये रेट डिसाइड किए थे 1st Feb को, बाय स्पॉट और सेल फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो लिख देना बाय स्पॉट एट द रेट ऑफ 46.25, फिर सेल टू मंथ फॉरवर्ड एट द रेट ऑफ 46.25 जो तय हो चुका प्लस 70 पैसा इक्वल टू 46.95 क्रॉस एडजस्टमेंट ऑफ स्वैप पॉइंट हुए 46.25 प्लस 70 पैसा 46.95 खत्म, सारा ट्रांजैक्शन खत्म।
अब केवल स्वैप गेन लॉस का और इंटरेस्ट का हिसाब दिखाना है टेबल ओवर टेबल के बाद। स्वैप गेन इक्वल टू 46.95 माइनस 46.25। स्वैप गेन इक्वल टू 46.95 माइनस 46.25 द होल इनटू 1 लाख 46.95 माइनस 46.25 द होल इनटू 1 लाख इक्वल टू रुपीज 70,000। कौन किसको ट्रांसफर करेगा? बैंक कस्टमर को। डैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक टू कस्टमर। ओके 70,000 डैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक टू कस्टमर। 70,000 ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक टू कस्टमर, ठीक है। 46.95 माइनस 46.25 द होल इनटू 1 लाख 70,000 का बैंक को फायदा हुआ है, वो बैंक कस्टमर को ट्रांसफर करेगा। लॉस होता तो उससे चार्ज करता। नेक्स्ट लाइन देख लो, बैंक का ये जो 46.25 है ये आउटफ्लो है बिकॉज कस्टमर के लिए खरीदा है बाजार से, बट वो कस्टमर जो अर्ली डिलीवरी लिया ना इतना पैसा दिया तो ये बैंक के लिए क्या है? इनफ्लो है। तो नेट में तो इनफ्लो आ गया। देख दो नेट कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो फॉर द बैंक, नेट कैश इनफ्लो फॉर द बैंक ऑन 1st Feb, नेट कैश इनफ्लो फॉर द बैंक ऑन 1st Feb, नेट कैश इनफ्लो फॉर द बैंक ऑन 1st Feb इक्वल टू 46.7 माइनस 46.7 माइनस 46.25 द होल इनटू 1 लाख द होल इनटू 1 लाख इक्वल टू रुपीज 45,000 जो कोई किसी को नहीं देगा। ओके पर 45,000 जो बैंक का इनफ्लो आ गया फायदा, बैंक वाला उस पर क्या देगा? इंटरेस्ट। लिख दो बैंक विल पे इंटरेस्ट इक्वल टू 8% ऑफ, इंटरेस्ट इक्वल टू 8% ऑफ 45,000 इंटू 2/12 8% ऑफ 45,000 इंटू 2/12 इक्वल टू 600, ठीक है। तो ये सेटलमेंट हुआ है बैंक और कस्टमर के बीच में। वहीं पे दिया हुआ लास्ट लाइन, इफ यू सी सॉल्व द सेम सम, समय लिखा हुआ है सॉल्व द सेम सम विद द एक्सपोर्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, डेटा सेम, अगर ये सम एक्सपोर्टर का होता तब सॉल्यूशन क्या होता? तो अगर ये सम एक्सपोर्टर का होता तो एक्सपोर्टर का सम चालू कैसे होता? पहले एक्सपोर्टर 3 मंथ फॉरवर्ड क्या किया? सेल। 3 मंथ फॉरवर्ड सेल रिटेल मार्केट में क्या रेट है? 1st जनवरी को एक्सपोर्टर 3 मंथ फॉरवर्ड सेल किया है रिटेल मार्केट में क्या रेट है? 45.30 प्लस 90 पैसा 46.2 पे एक्सपोर्टर सेल किया ना, यानी बैंक वाला क्या किया है? बाय। तो बैंक वाले का लॉन्ग पोजिशन कौन सा? लॉन्ग। तो बैंक वाला तुरंत उसी समय इंटरबैंक मार्केट में क्या करेगा? शॉर्ट। बैंक वाला तुरंत उसी समय इंटरबैंक मार्केट में शॉर्ट करेगा। शॉर्ट करेगा कौन से रेट पे? ये रहा 45.35 प्लस 90 पैसा 46.25। ऊपर दाम पे शॉर्ट कर दिया ना, तो कस्टमर से खरीदने का बात कर लिया बैंक वाला एक्सपोर्टर से 46.2 पे और उसी को बेचने का बात कर लिया 46.25 पे, 5 पैसा लॉक्ड इन, ठीक है। पूरा सेम तरीके से होने वाला है। लेट स्टार्ट। ओके स्टार्ट करते हैं। सेम टेबल है, डेट, ये सेकंड पार्ट चल रहा है अगर एक्सपोर्टर का सम होता तो, डेट, उसके बाद ट्रांजैक्शन विद द एक्सपोर्टर, डेट और उसके बाद ट्रांजैक्शन विद द एक्सपोर्टर और लास्ट कॉलम ट्रांजैक्शन विद द मार्केट। ओके डेट फिर ट्रांजैक्शन विद द एक्सपोर्टर फिर ट्रांजैक्शन विद द मार्केट। ओके डेट में 1st Jan तो 1st Jan में एक्सपोर्टर बेचा माने बैंक खरीदा, सो बाय थ्री मंथ फॉरवर्ड एट द रेट ऑफ कस्टमर बेचा है। अपने कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से रेट देखते हैं हमेशा फॉरेक्स में। तो कस्टमर बेचा 45.3 प्लस 90 पैसा 45.30 प्लस 90 पैसा इज इक्वल टू व्हाट? 46.20।
ओके इस रेट पे एक्सपोर्टर बैंक को बेचने का बात कर लिया, बैंक वाला खरीदने का बात कर लिया, तो बैंक का लॉन्ग पोजीशन, तो उसी समय इंटरबैंक मार्केट में गया और लिख दो सेल 3 मंथ फॉरवर्ड, उसी समय इंटरबैंक मार्केट में सेल 3 मंथ फॉरवर्ड ऊपर भाव पे, सेल 3 मंथ फॉरवर्ड एट द रेट ऑफ 45.35 प्लस 90 पैसा, ओके एट द रेट ऑफ 45.35 प्लस 90 पैसा, 45.35 प्लस 0.90 कितना 46.25, परफेक्ट, बैंक का 5 पैसे का फायदा। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि फर्स्ट फेब को अचानक से एक्सपोर्टर आ गया, बोला हमको तो आज ही बेचना है, वो भी कौन सा रेट पे, बाजार का कि ओल्ड ओल्ड, ठीक है। तो इन दैट केस फर्स्ट फेब को देख दो अर्ली डिलीवरी एट द रेट ऑफ 46.2, अर्ली डिलीवरी, कस्टमर अर्ली डिलीवरी कर दिया 46.2, ये बैंक का आउटफ्लो हो गया, एक्सपोर्टर तो डॉलर देके चला गया तो बैंक को तो पैसा आज ही देना पड़ा एक्सपोर्टर को, तो ये बैंक का आउटफ्लो है, ठीक है। और बैंक वाला उस दिन किया क्या, सेल बाय स्वैप, रेट तुम लोग बताना देख के, ये रहा, ओके सेल बाय स्वैप दिख रहा है आपको रेट्स, तो ये सेल और ये क्या होगा बाय, सेल किया 46.15 पे स्पॉट और बाय किया 46.95 पे ना, क्रॉस एडजस्टमेंट, सेल बाय स्वैप, सेल किया स्पॉट बाय किया फॉरवर्ड, ठीक है लिख दो। तो सेल बाय स्वैप के अंदर सेल बाय स्वैप के अंदर एरो देखे, सेल स्पॉट एट 46.15 ये बैंक का इनफ्लो है, और उसके बाद बाय 2 मंथ फॉरवर्ड एट द रेट ऑफ 46.15 प्लस 80 पैसा, क्या 46.15 प्लस 80 पैसा दैट इज 46.95। तो केवल ये दोनों देखो, स्वैप का लेग, सेल किया 46.15 पे, बाय किया ऊपर दाम पे, स्वैप में गेन या लॉस, लॉस, ओके। तो टेबल के बाहर आके स्वैप लॉस, कस्टमर के कारण फालतू का लॉस हुआ, स्वैप लॉस इज इक्वल टू, स्वैप लॉस इज इक्वल टू 46.95 माइनस 46.15, 46.95 माइनस 46.15 द होल इनटू 1 लाख, 46.95 माइनस 46.15 द होल इनटू 1 लाख इक्वल टू व्हाट, 80,000 रुपीस का लॉस हो गया। ये लॉस किससे चार्ज करेगा, कस्टमर से, लिख दो बैंक विल चार्ज फ्रॉम कस्टमर डैश, बैंक विल चार्ज फ्रॉम कस्टमर, बैंक विल चार्ज फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। जो भी स्वैप में गेन होता है बैंक वाला कस्टमर को ट्रांसफर करता है, लॉस होता है कस्टमर से चार्ज करते हैं, यहां पे लॉस हो गया बिकॉज सेल स्पॉट कमती रेट पे, बाय फॉरवर्ड ज्यादा रेट पे। उसके बाद देख लो प्लीज, ये जो इनफ्लो आउटफ्लो का बात जहां तक है ना, तो कस्टमर जो 3 महीने बाद आके डॉलर्स बेचने वाला था वो फर्स्ट फेब को बेच दिया, तो बैंक को तो उसको रुपया देना पड़ा फर्स्ट फेब को, तो बैंक का 46.2 के रेट से आउटफ्लो होने वाला है, फर्स्ट फेब का आउटफ्लो हुआ है फालतू का, और बैंक वाला उस डॉलर्स को बाजार में बेचा 46.15, तो इनफ्लो हुआ, तो आउटफ्लो 46.2 पे और इनफ्लो 46.15 पे, आउटफ्लो कौन से रेट पे था 46.2 और इनफ्लो 46.15, तो नेट में क्या हो गया आउटफ्लो 5 पैसा इंटू 1 लाख, 5,000 का आउटफ्लो ना, तो 5,000 का जो आउटफ्लो हुआ उस पे 9% इंटरेस्ट क्या करेगा चार्ज, आउटफ्लो है बैंक का फालतू का, लिख दो नेट कैश आउटफ्लो फॉर द बैंक, नेट कैश आउटफ्लो फॉर द बैंक ऑन फर्स्ट फेब, नेट कैश आउटफ्लो फॉर द बैंक ऑन फर्स्ट फेब इज इक्वल टू 46.2 जिसपे वो कस्टमर से खरीदा, माइनस 46.15 जिसपे वो खरीदा वाला माल बाजार में बेचा, 46.2 माइनस 46.15 द होल इनटू 1 लाख, 46.2 माइनस 46.15 द होल इनटू 1 लाख इज इक्वल टू रुपीज 5,000 आउटफ्लो हुआ है, तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। नेक्स्ट लाइन, बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम द कस्टमर इक्वल टू, ओके इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल टू क्या रेट था, 9
9% of 5000 into 2 by 12. 9% of 5000 into 2 by 12 क्या 75 का इंटरेस्ट चार्ज करेगा. ठीक है, आई टोल्ड यू बिफोर बिगिनिंग द टॉपिक केयरली डिलीवरी हैज नेवर एवर अपीयर्ड इन द एग्जाम. इट इज कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो बिकॉज के लिए स्वैप का नॉलेज चाहिए. ठीक है, तो फॉर सच टॉपिक्स अपना हमेशा एटीट्यूड रहा है क्लास में, जो आया हुआ नहीं है कमती चांसेस होते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, विल हैव एन आइडिया ऑफ इट, बट एट द सेम टाइम यू कांट डू 50 सम्स ऑन द सेम. ओके, आपका आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मेरे को पता है कि अर्ली डिलीवरी में स्वैप होता है. इंपोर्टर के सब में कौन सा स्वैप? बाय सेल. एक्सपोर्टर के सब में कौन सा स्वैप? सेल बाय. और इंटरेस्ट का हिसाब होता है. ठीक है, तो विद दैट एटीट्यूड यू हैव टू रिवाइज दिस सम एंड गो. ठीक है, सो दैट जीरो पे भी नहीं है एट द सेम टाइम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बेटर पोजिशन पे. ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट लीविंग द टॉपिक. ओके, सो दैट कंप्लीट्स आवर फॉरेन एक्सचेंज. एंड देयरफॉर बिफोर आई मूव इनटू डेरिवेटिव्स, दो तीन बातें बोल दूं बिफोर आई मूव इनटू इट. नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेक्स में आफ्टर ऑल द क्लासेस इज एक्स बाय वाई. सुना प्लीज, एक्स बाय वाई किसका रेट है? नहीं, वही तो बात है ना, एक्स बाय वाई अपना हैबिट अपने कॉपी में क्या किए, वाई का रेट है, वाई का रेट है. ठीक है ना, तो वाई का रेट है तो बहुत बढ़िया बात है. देयर इज नो टीचिंग एट ऑल, वी हैव डन ऑल सम्स ऑन दैट बेसिस. ध्यान से सुनना, मैं डिक्टेट भी करूंगा बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर आपको सम में दिया रहा वर्ड करेंसी पे, क्या करेंसी पे, ये हेडिंग दिया रहेगा और उसके बाद कोटेशन लिखा रहेगा. करेंसी पेयर अगर लिखा हुआ, कोटेशन लिखा हुआ, इट इज द रेट ऑफ एक्स, इट इज द रेट ऑफ एक्स. बट हम लोग जो बिड आस्क सब चीज सीखे हैं वो नीचे वाले के हिसाब से सीखे हैं ना, तो तुम सम को कर नहीं पाएगा अगर तुम बोलो के स्टाइल में लिखा. तो तुमको समझना है कि यार करेंसी पेयर है मतलब एक्स का दाम है, और जब कॉपी में आंसर शीट में कॉपी करोगे तो क्या लिखोगे, वाई बाय एक्स, इतना वो जो रेट दिया हुआ है. मैंने सम करते समय उसको अपने स्टाइल में लिख के करेंगे. कितना इलॉजिकल होगा अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि मैं बोल रहा हूं एक्स बाय वाई दिया रहे तो हर सम में तुम लोग वाई बाय एक्स लिखना. We are not saying that at all. हम लोग तो exceptions का बात कर रहे हैं कि अगर करेंसी पेयर लिखा हुआ है तो किसका दाम है, x का, और तुम्हारा स्टाइल है जिसका दाम है उसको कहां लिखते हो, नीचे, तो तुम आंसर शीट पे उसको y by x कॉपी करोगे ना. Now, इसमें कोई भी डाउट नहीं है. इट इज क्लियर कट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट कि करेंसी पेयर में न्यूमरेटर का दाम होता है. किसका दाम? न्यूमरेटर का. ठीक है ना, तो यहां पर 100% कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं. सेकेंड विच आई हैव ऑब्जर्व्ड, जो कभी भी एक्सेप्शन नहीं हुआ है, अगर कोटेशन लेटर्स में दिया हुआ है, किसमें, लेटर्स में, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्या पता न्यूमरेटर का दाम हो. किसका? न्यूमरेटर का. इट हैज हैपेंड ट्वाइस थ्राइस जब लेटर्स में, लेटर्स मतलब दिया हुआ है यूएसडी ऑब्लिक आईएनआर. रूपी डॉलर भी तो बोल सकता था, और यूएसडी आईएनआर दे रहे हैं, और सब में आपने किए थे साथ में 46.20 दिया हुआ है, 46.20. दिस इज नॉट द प्राइस ऑफ रूपी, दिस इज द प्राइस ऑफ डॉलर. सो यू विल राइट इन योर कॉपी दिस एज वॉट, रूपी पर डॉलर. जब तुम आंसर शीट पे चालू करोगे तो लिखोगे रूपी पर डॉलर. तो यानी मैं बोलना चाह रहा हूं लेटर्स में अगर हो तो स्ट्रेट अवे न्यूमरेटर का दाम मत मानना. एक बार रेट को शक के साथ देखना, एक होता है ना डिग्री ऑफ स्केप्टिज्म, अगर लेटर्स में हो तो एक बार शक के साथ देखना, और क्या पता तुमको क्लिक हो जाए कि यार ये तो न्यूमरेटर का दाम दिया है तो चल कॉपी में इसको उल्टा करके लिखते रूपी पर डॉलर. ये चीज बोलने का मतलब ये नहीं, यू मस्ट हैव सीन आपने कितने बार पीछे जाके सम्स किए ना पेपर्स का, और जितने बार पीछे जाके पेपर्स का सम किए सारे के सारे सम में डिनोमिनेटर का दाम था. तो प्लीज एक्सेप्शन के कारण मेन ट्रैक को लूज मत करना. यू चेक आउट, आई हैव चेक्ड इन द पास्ट पेपर्स टू द बेस्ट ऑफ माय मेमोरी, तीन बार ऐसा हुआ है आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ सीए फाइनल एग्जाम्स कि न्यूमरेटर का प्राइस दिया. किसका दाम? न्यूमरेटर का. और फॉरेक्स का सम आया तो हर बार ही है, तो आउट ऑफ 20-30 टाइम्स 3 टाइम्स न्यूमरेटर का दाम दिया. ठीक है, तो क्या पता अपना खराब टाइम हो और न्यूमरेटर का दाम दे. ठीक है, तो लूज नहीं करना, पर मैं ये बोल रहा हूं इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर चीज को पूरा भूल जाएगा फॉरेक्स का ट्रैक. इट इज ऑल डन द वे वी हैव डन, बट कभी कभी देयर कुड बी अ प्रॉब्लम, खासकर करेंसी पे. करेंसी पेयर होते ही न्यूमरेटर का दाम है, आप कॉपी करते समय अपने स्टाइल में कॉपी करो. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टॉपिक जानते हुए कॉन्फिडेंस होते हुए रॉन्ग हो जाए ये बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं है. ठीक है, तो यू गॉट टू नो दिस. मैं डिक्टेट कर रहा हूं ये चीज, बट बिफोर आई डिक्टेट और एक चीज, जैसे हर चैप्टर में बोलता हूं एज आई से इन ऑल चैप्टर्स, जो क्वेश्चंस दे वे अराउंड 102 क्वेश्चंस एट चैप्टर एंड इन फॉरेक्स ना. ओके, 100 क्वेश्चन करीब थे, उनमें से हो सकता है 5-7-8 क्वेश्चंस ना क्लासवर्क में किए ना होमवर्क में किए. ठीक है, तो यू मे नॉट डू दो सम्स बिकॉज दे आर ईदर रिपीटेटिव और देर इज सम मिस्टेक इन देम कंसेप्चुअल,
or they may be out of link with what we have done. ठीक है, I don't consider them to be representative. So you may not do those sums जो कि ना classwork में किए ना homework में. ठीक है, आपको extra practice ही करना है तो papers के बाकी बचे हुए sums करो. ठीक है, तो secret sauce में जो questions दिए हुए वो करो rather than worrying about those 7, 8, 10 questions that may be left out of the 102. ठीक है, तो don't do those questions is my advice. And secondly, जो भी चैप्टर जैसे एंड होता है फॉरेक्स, तो इफ यू ओपन द सीक्रेट सॉस ब्लू वाला बुक, उसके पीछे में क्या बोलते हैं ये थियरी क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि थियरी क्वेश्चन किस किस टर्म में कौन कौन सा क्वेश्चंस आया हुआ है, तो यू मे अकॉर्डिंगली सी द सेम एंड फिनिश ऑफ द चैप्टर. ठीक है, तो कि फॉरेक्स पे क्या क्या थ्योरी आया हुआ है. ठीक है ना, तो दीज आर द थिंग्स आई हैव टू से. मैं केवल डिक्टेट कर रहा हूं न्यूमरेटर वाला चीज, करेंसी पेयर प्लीज रख देना. नोट में इन क्लास वी हैव डन द फॉरेक्स चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ इन क्लास वी हैव डन द फॉरेक्स चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ वी हैव डन द फॉरेक्स चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ डिनोमिनेटर करेंसी. We have done the forex chapter on the basis of the price of denominator currency. We have done the forex chapter on the basis of the price of denominator currency. Price of denominator. Next line. That is X by Y. X by Y implies the price of Y. X by Y implies the price of Y. ठीक है? नेक्स्ट लाइन, एक्सेप्शन नंबर वन, और वन में डाउट ही नहीं है कोई. करेंसी पेयर अगर दिया हुआ है, ओके, इट इज देयर इन वन ऑफ द पेपर्स, करेंसी पेयर. तो करेंसी पेयर में अगर एक्स बाय वाई दिया हुआ है, देख दो, करेंसी पेयर के अंदर एक्स बाय वाई डैश इट इज द प्राइस ऑफ एक्स. करेंसी पेयर अगर हेडिंग है और उसमें x बाय वाई दिया है, इट इज द प्राइस ऑफ एक्स. नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर इन योर आंसर शीट यू विल कॉपी इट एज, देयरफॉर इन योर आंसर शीट यू विल कॉपी इट एज, इन योर आंसर शीट यू विल कॉपी इट एज क्या, y बाय एक्स. तुम y बाय एक्स कॉपी करेगा और उसके बाद पूरा सम करेगा. You will copy it as y by x. ठीक है, एक्सेप्शन नंबर टू, करेंसी इज गिवन इन लेटर्स. ठीक है, बट लेटर्स वाले पार्ट पे डाइसी है, 100% कॉन्फिडेंस नहीं है. पेपर्स में तो ऐसा हो रहा है बट कहीं जनरल रूल लिखा हुआ नहीं है. करेंसी गिवन इन लेटर्स डैश मोस्ट प्रोबेबली, लिख दो डैश, मोस्ट प्रोबेबली it is the price of numerator, most probably it is the price of numerator, but you better apply common sense. Most probably it is the price of numerator, but you better apply common sense, but you better apply common sense. Example, USD by JPY 120. USD by JPY 120. 120 दिया हुआ है, तो वो तो एक येन का दाम हो नहीं सकता है. किसका दाम है? डॉलर का. ठीक है, तो लेटर्स दिया हुआ, आप स्केप्टिकल थे, आपने 120 देखा, समझ गया यार एक येन 120 डॉलर थोड़ी होगा, एक डॉलर 120 येन होगा ना, तो किसका दाम है? डॉलर का. तो कॉपी करते समय क्या कॉपी करेंगे? येन पर डॉलर. ओके, लिख दो ऑब्वियसली दिस इज द प्राइस ऑफ वन डॉलर. ऑब्वियसली दिस इज द प्राइस ऑफ वन डॉलर. एंड वी विल कॉपी इट एज येन पर डॉलर 120. ओके, येन पर डॉलर 120.
ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट चैप्टर डेरिवेटिव्स. Next chapter, derivatives. Now listen please. Derivative chapter, okay, traditionally has been considered to be difficult as compared to other chapters because of several models involved, okay, formulas involved, calculations involved and whatever. But the only problem, the only way to make the chapter easy, scoring, ठीक है, and retentive कि आपको retain रहे, is to not use bookish language everywhere. Book में हर चीज का definition लिखा हुआ है, मैं share करूंगा, but अगर book के definition के अनुसार जाओगे वहीं पे problem है. डेरिवेटिव का अपने क्लास के अनुसार राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टिल द लास्ट क्लास एक ही डेफिनेशन है. डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड फॉर बेटिंग. डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड फॉर बेटिंग. कोई स्टॉक है उस पर मेरे को बेटिंग करना है कि दाम ऊपर जाए कि नीचे जाएगा. एक इंस्ट्रूमेंट है डेरिवेटिव जिसके हेल्प से अपने बेटिंग कर सकते हैं. डेरिवेटिव्स आर इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड फॉर बेटिंग. बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में यह लिखा हुआ है सपोज कि डेरिवेटिव जो है उसमें फर्स्ट पार्ट हो गया डेरी. डेरी माने डिराइव और वेटिव माने क्या हो गया? वैल्यू. तो अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम सम अदर एसेट. अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम सम अदर एसेट. द डेफिनेशन इज गुड, इट्स ओके, बट सम्स उसके दम पे नहीं होने वाले. सम्स इसी दम पे होने वाला है कि वो जो अदर एसेट है, could be a stock, could be a commodity, could be a currency, could be labor, could be temperature, could be rainfall, उसके ऊपर betting करने. और betting करने के लिए instrument उसका नाम क्या है? Derivative. तो derivative is a betting का tool, ठीक है? If you did not follow what exactly I was trying to say, कि क्या difference है thought में, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ. हम लोगों ने forward contract किया ना, forward contract तो इस chapter में हो गया currency पे. तो suppose ए और बी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, ए और बी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का, रुपीज 50 पर डॉलर पे. दिस इज द फॉरवर्ड रेट, 3 मंथ फॉरवर्ड. ए फॉरवर्ड बाई किया है एफ प्लस, बी फॉरवर्ड सेल किया है एफ माइनस. ए फॉरवर्ड बाई किया है एफ प्लस, बी फॉरवर्ड सेल किया है एफ माइनस, 50,000 डॉलर. ठीक है, तो दो तरीका है इसके बारे में सोचने का. तरीका एक, A has contracted to buy $50,000 after 3 months at 50 per dollar. B has contracted to sell $50,000 at the rate of 50 per dollar after 3 months. Mane A has contracted to buy, B has contracted to sell. We are not going to entertain this. Instead, you are supposed to think, A bet kiya hai 3 mahine baad 50 ke upar jayega. ए बेट किया है 3 महीने बाद डॉलर किसके ऊपर जाएगा? 50 के ऊपर का बेट. और बी का बेटिंग क्या है? 50 के नीचे का. नो बाय नो सेल. बाय सेल में जहां घुसा वहीं पे डबल टाइम लगेगा, सोचने में, सम करने में, रिटेन करने में. बाइंग सेलिंग कुछ नहीं करना है, सीधा बेटिंग हो रहा है. 50 के ऊपर का, 50 के नीचे का सौदा लगा रहे वो. ठीक है, तो 3 महीना बीता, 3 महीना बीतने के बाद 52 है, 3 महीना बीतने के बाद डॉलर का स्पॉट रेट 52 है. कौन जीता? ए. कितना रुपया मिलेगा? 2 रुपया × 50,000, 1 लाख खत्म. ओके, ए को मिलेगा 2 रुपया × 50,000 इक्वल टू व्हाट? 1 लाख. यू विल एक्सट्रीमली लाइटन योर सेल्फ एंड थिंक टू द पॉइंट इफ यू गेट द बेटिंग एटीट्यूड इन योर माइंड. स्टूडेंट्स भोले भाले होते हैं, बेटिंग करते नहीं है. ओके, करना भी नहीं चाहिए. इसलिए हो सकता है धीरे धीरे उतरे, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन. अभी और क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे ऑप्शन में जाएंगे ना, कि अगर बाई सेल बोलते जाते हैं ना, कितना लंबा रास्ता लगा रहे एक सिंपल चीज समझने का. ठीक है, यहां सिंपल था, 50 पेयर भाव लगा रहे, 50 के ऊपर गया ए जीता, 50 के नीचे गया बी जीता. कहां से कॉन्ट्रैक्ट टू बाई, कहां से कॉन्ट्रैक्ट टू सेल? फालतू में माथा पच्ची कर रहे. ठीक है, तो विच मीन्स बुक में कैसे समझाया हुआ रहेगा? ए 50 पे खरीदने का बात किया, रेट 52 हो गया, तो ए विल बाय एट 50 एंड सेल एट 52. ही विल गेन हाउ मच? 2 रुपीज. हम नहीं बाई सेल करेंगे ना,
सीधा फायदा कितना, 2 रुपया × 50,000। अभी समझ में आएगा जब मैं ऑप्शन में जाऊंगा कि ये कितना बढ़िया तरीका है सोचने का। ओके, द बेटिंग वाला वे। ओके, देयर वुड हैव बीन इयर्स दैट आई हैव बीन टीचिंग डेरिवेटिव, बट ऑफ लेट आई हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट बेटिंग वाले एंगल से स्टूडेंट का रिटेंशन लेवल और सम्स एग्जीक्यूशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो बुक्स में जो लैंग्वेज है उसके कारण फालतू में उसको लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है सोचने के लिए। ठीक है, तो दिस इज वॉट डेरिवेटिव्स आर। और एक चीज ध्यान देना, अगर यही वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज में एंटर किया, कहां पे एक्सचेंज, एनएससी पे एंटर किया है, ए बी से एंटर नहीं किया, कहां पे एंटर किया, एनएससी में, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर्स। व्हाट इज दिस कॉल्ड, फ्यूचर्स। एक दूसरे के साथ एंटर किया, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड। व्हाट इज इट कॉल्ड, फॉरवर्ड, बैंक के साथ किया तो। और एनएससी में एंटर किया तो क्या बोलते हैं, फ्यूचर्स। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स आर डबल साइडेड बेटिंग। व्हाट साइडेड बेटिंग, डबल साइडेड बेटिंग, ऊपर का एक जन के लिए, नीचे का दूसरे जन के लिए, डबल साइडेड बेटिंग। ठीक है, तो हम इतने बार बोलेगा एंड आई विल ट्राई टू इंश्योर मेरे तरफ से फुल कि तुमको बेटिंग का टोन समझ में आ जाए। ओके, हर एग्जांपल में आई विल इंश्योर एंड यू विल एंटरटेन द सेम कि इट वाज अ गुड वे। ओके, अगर ए और बी, ध्यान देना, तीन तीन महीना के लिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, तीन तीन महीना के लिए, कितने साल का, 2 साल का, हर बार 50,000। बोला यार 2 साल का बेटिंग है, हर 3 महीना में देखेंगे डॉलर 50 के ऊपर जाता है क्या। ठीक है, ए बोल रहा है जाएगा 50 के ऊपर, बी बोल रहा है 50 के नीचे, तो कितना कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, 8 कॉन्ट्रैक्ट एक बार एंटर कर लिया, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्वैप। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्वैप इज अ पोर्टफोलियो ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फाइनेंशियल स्वैप इज अ पोर्टफोलियो ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो एक बार बेटिंग, फाइनेंशियल स्वैप में मल्टीपल बेटिंग। व्हाट, मल्टीपल बेटिंग, एक बार सौदा की, 8 बार बेटिंग की। ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ फाइनेंशियल स्वैप, इट इज अ पोर्टफोलियो ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 3-3 महीने का 8 बार। ठीक है, हर 3-3 महीना में एक्सचेंज होगा, जो जीता हर महीना में देखा जाएगा, 3 महीना में एक बार 52 हो गया, ए जीता, 47 हो गया, बी जीता, ऐसे करते करते 2 साल तक बीतेगा। ठीक है, नाउ लिसन, सपोज ए और बी एंटर कर रहे हैं डेरिवेटिव, जिसमें क्या बात हुआ है सुनना, वही 50 का बात है, ₹50 पर डॉलर। ए बी को बोला है कि देख 50 के ऊपर गया तो ते मेरे को डिफरेंस देना, 50 के ऊपर का हम बेट लगा रहे हैं, ऊपर गया तो तुम मेरे को डिफरेंस देना, और 50 के नीचे गया तो हम तेरे को कुछ भी नहीं देगा। ए बी को बोल रहा है 50 के ऊपर गया तो आई विल रिसीव द डिफरेंस, बी विल पे, एंड इफ 50 के नीचे गया तो हम तेरे को कुछ भी नहीं देगा। शुड बी अग्री टू इट, नो। हाउएवर ए बी को अलग से, ए बी को अलग से 3 रुपया दिया, कितना रुपया, 3 रुपया, बोला 3 रुपया रख, 3 रुपया दिया, 3 रुपया जो है वो हक का दाम है। क्या चीज का, हक का, क्या क्या चीज का हक, ऊपर एंजॉय करने का हक, 50 के ऊपर का एरिया एंजॉय करने का हक ना। ए इज वांटिंग एन ऑप्शन टू एंजॉय द अपसाइड, टू एंजॉय द अपसाइड विदाउट सफरिंग द डाउनसाइड। अभी जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उसमें तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा था, कोई बी ए पे एहसान थोड़ी कर रहा था, 50 के ऊपर का मेरा इलाका, 50 के नीचे का तेरा ना, इट वॉज अ वेरी इक्वल साइडेड थिंग। यहां पे बात हो रहा है केवल मेरा इलाका 50 के ऊपर का, नीचे का किसी का नहीं, 50 के नीचे, तो बी विल नॉट अग्री, तो बी विल आस्क ए टू पे द प्राइस ऑफ द हक, प्राइस ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज कॉल्ड अ कॉल ऑप्शन। व्हाट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। ये ऑप्शन कब ट्रिगर होगा, दाम ऊपर जाने से कि दाम नीचे जाने से, ऊपर, ऊपर जाने से ना ट्रिगर, डिफरेंस कब एक्सचेंज हुआ, ऊपर, नीचे जाने से तो कुछ होगा ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, ऊपर गया 50 के ऊपर तो कौन पैसा देगा, बी ए को देगा, और नीचे गया तो कौन पैसा देगा, कोई किसी को नहीं। तो यानी ये ऑप्शन कहां पे ट्रिगर हो रहा है, ऊपर, नीचे के लिए बना ही नहीं ऑप्शन, इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। ए इज द कॉल बायर, बी इज द कॉल सेलर, कॉल बायर, कॉल सेलर। कॉल ऑप्शन इज एन अपसाइड बेटिंग का इंस्ट्रूमेंट। व्हाट साइड बेटिंग, अपसाइड बेटिंग। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स आर बोथ साइडेड बेटिंग, बोथ साइडेड। ऑप्शंस आर वन साइडेड बेटिंग। कॉल ऑप्शन इज फॉर विच साइड, अपसाइड बेटिंग, अपसाइड बेटिंग। टू गेट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, जिससे तुम लोग आंसर दे पाओ, 50 याद है अभी तुमको, 3 रुपया याद है, 3 रुपया कौन किसको दिए, ए बी को, आज की 3 महीना बाद, आज 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आज 3 रुपया दे दिया, वो रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है। रिफंडेबल का बात कहां से आता है, हक का दाम दिया है, 3 महीना बीत गया, डॉलर का रेट चल रहा है 46, उस दिन क्या होगा, कुछ नहीं,
उस दिन क्या होगा, कुछ नहीं तो बोलते हैं पे ऑफ इक्वल टू जीरो। पे ऑफ मतलब कैश फ्लो ऑन मैच्योरिटी इक्वल टू व्हाट, जीरो। बट ए का तो तीन जा चुका, लॉस इक्वल टू व्हाट, थ्री, और बी का प्रॉफिट इज इक्वल टू थ्री। 46 पे ठीक है, रेट अगर 46 हो गया, द कॉल लैप्सेस, द कॉल लैप्सेस बिकॉज कॉल नीचे के लिए बना ही नहीं है, कॉल किसके लिए बना है, ऊपर के लिए, ठीक है। तो नीचे जाने से कॉल लैप्सेस, 40 हो गया रेट, 40 क्या होगा, सेम स्टेटस, 40 पे भी तो कॉल क्या होगा, लैप्स, पे ऑफ जीरो। ए का लॉस कितना, थ्री, बी का प्रॉफिट कितना, थ्री। 55 हो गया, कौन किसको कितना देगा उस दिन, बी ए को 5 देगा, ए का पे ऑफ 5, पे ऑफ बोल रहा हूं 5, और प्रॉफिट कितना, 2, 5-3 2, और बी का पे ऑफ -5, बी का पे ऑफ -5, और लॉस कितना, 2, और प्रॉफिट -2 या लॉस 2 रुपया। 60 पे कौन किसको कितना देगा, बी ए को कितना देगा, 10 देगा, तो ए का प्रॉफिट 7, समझ गया। तो कॉल ऑप्शन किस साइड के लिए, ऊपर के लिए कि नीचे के लिए, अपसाइड के लिए, नीचे तो कुछ होगा ही नहीं, जो होगा वो 50 के ऊपर होगा, 50 के ऊपर कॉल ट्रिगर्स, ओके, कॉल ट्रिगर्स, समबडी गॉट टू पे द अदर पर्सन, हु इज द समबडी विल पे, कॉल सेलर, जो कॉल सेलर जो पैसा प्रीमियम खा के बैठा ना 3 रुपया, अब सारा निकालने का बारी आएगा, ठीक है। बुक में क्या लिखा हुआ है, सी प्लस कॉल बाय इज अ राइट टू बाय द डॉलर, इज द राइट टू बाय डॉलर, इसका राइट टू बाय डॉलर है विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। मेरा मन हुआ तो हम 50 पे डॉलर खरीदेंगे, मेरा मन नहीं हुआ तो हम नहीं खरीदेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, बुकिश लैंग्वेज में फॉरवर्ड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर। यहां पे क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर, कॉन्ट्रैक्ट मतलब हक भी है और जबरदस्ती भी है, समझ गया। डॉलर बाय करना पड़ेगा ही 50 पे, गिर गया 46 पे, खराब चीज हो गया तब भी 50 पे खरीदो, बोला था ना, और 55 हो गया तो उछल उछले खुशी से खरीदो, पर खरीदना पड़ेगा 50 पे। इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाई, जबरदस्ती था। और कॉल ऑप्शन में क्या है, राइट टू बाय। अगर ए का राइट टू बाय है तो बी का ऑब्लिगेशन टू सेल है, बी का तो ऑब्लिगेशन है। ए खरीदने आ गया तो बी ना नहीं कर सकता है, और ए खरीदने कब आएगा, जब दाम बढ़ेगा, वो 60 का चीज है, चल 50 पे दे, बात हुआ था ना, ओके, और दाम नीचे गिर गया तो 40 का चीज 50 पे क्यों खरीदने आएगा। ए हैज अ राइट टू बाय एंड बी हैज एन ऑब्लिगेशन टू सेल, एंड यू आर ऑब्लिगेटेड टू रिमेंबर किसका राइट टू बाय, किसका ऑब्लिगेशन टू सेल, समझ रहे, तुमको डबल टेंशन, और साला समझ में आ गया फिर भी राइट टू बाय ऑब्लिगेशन टू सेल में तुम डूब जाएगा, ठीक है। तो राइट टू बाय ऑब्लिगेशन टू सेल का जरूरत क्या है बोलने का, कॉल ऑप्शन किस साइड के लिए, ऊपर के लिए, जो ऑप्शन खरीदा है उसको पैसा मिलेगा, डिफरेंस अगर ऊपर चला गया, और जो ऑप्शन बेचा वो पैसा देगा, नीचे जाने से ऑप्शन क्या होगा, लैप्स। अगर कॉल ऊपर के लिए है तो नीचे के लिए भी तो कोई ऑप्शन होता होगा, पुट, क्या पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन। ए और बी एंटर किया डेरिवेटिव 50 पे, 3 महीने का ध्यान देना, 50 पे एंटर किया 3 महीने का, बिकॉज दीज आर नेचुरल थिंकिंग, तुम अभी ध्यान दे रहे हैं तो इट्स द मोस्ट नेचुरल रिस्पॉन्स कमिंग आउट ऑफ यू, ठीक है, यू शुड ट्राई टू बी अटेंटिव। 50 पे पुट ऑप्शन है, पी प्लस, इसका पी माइनस, पुट ऑप्शन नीचे के लिए बना है, ऊपर जाने से क्या होगा, लैप्स, ऊपर जाने से कुछ नहीं होगा, नीचे जाने से डिफरेंस एक्सचेंज होगा, जो हक खरीदा है उसको डिफरेंस मिलेगा और जो हक बेचा है उसको डिफरेंस देना पड़ेगा। तो ए हैज द राइट टू एंजॉय द डाउनसाइड, ए हैज द राइट टू एंजॉय द डाउनसाइड, समझ गया, एंड बी इज ऑब्लिगेटेड टू पे द डाउनसाइड, ठीक है, अपसाइड देयर इज नो अपसाइड, ठीक है। तो दैट्स अ पुट ऑप्शन, बी कोई हालत में अग्री नहीं करेगा, बी शुड नॉट अग्री ना, क्यों पैसा ऑब्लिगेशन लेगा देने का, तो बी विल अग्री ओनली इफ ए पेस टू बी शुरू में समथिंग, दैट समथिंग इज द हक का दम, ओके, वो हक का दम है सपोज 2 रुपया, कितना 2 रुपया, ए बी को 2 रुपया दिया, ठीक है, ऑप्शन खरीदा है ना, 2 रुपया दिया, अब उसके बाद जाके रेट बोल रहा है, बताना जवाब, रेट जो है सपोज हो गया 45 रेट हो गया 45, पुट जोश में आया कि गया, जोश में आया ना, नीचे गया रेट, नीचे गिरते ही 50 के नीचे गिरते ही तो पुट तो उसी के लिए बना हुआ है, तो 45 पे जाते ही पुट एक्सरसाइज, ए को कितना मिलेगा, 5, ए दिया कितना था, 2, कितना का लॉस, 3, समझ गया, That is the way to think. Profit कितना? Sorry, profit कितना? 3.
और अगर रेट ऊपर चला गया 55 पे क्या होगा? लैप्स. 55, 60, 65, 70, 75, कुछ भी रेट हुआ क्या होगा? लैप्स. ऊपर जाते ही पुट लैप्स, नो पे ऑफ, और ए का लॉस कितना? ₹2. ठीक है, तो दैट्स द केस ऑफ ऑप्शन. अब इसको बुकिश में जाएंगे तो पुट ऑप्शन इज अ राइट टू सेल. राइट टू सेल, इसका राइट टू सेल, इसका ऑब्लिगेशन टू बाय. अब चर्चा हो गया ना, राइट टू बाय था, ऑब्लिगेशन टू सेल, या राइट टू सेल या ऑब्लिगेशन टू बाय, स्टूडेंट वही लर्न करते रह जाता है. ठीक है, फिर बाय सेल कुछ नहीं सोचना है. कॉल ऑप्शन ऊपर के लिए, पुट ऑप्शन नीचे के लिए, कॉल पुट खत्म उससे ही. ठीक है, तो देर आर सो मेनी क्वेश्चन इन द एग्जाम जो कि ये 5 मिनट के डिस्कशन से, कि कॉल ऑप्शन ऊपर के लिए, पुट ऑप्शन नीचे के लिए, द क्वेश्चन कैन बी डन. ठीक है, ऑफकोर्स मोर थिंग कैन कम एंड इट हैज कम. ठीक है, बट कॉल पुट का बेसिक्स तो बेटिंग पे ही है. यू हैव टू अंडरस्टैंड डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड फॉर बेटिंग. ओके, तो अपना बेटिंग वाला टोन अगर रहेगा क्लास में विच आई विल यूज बट विच यू विल ऑल्सो हैव टू यूज वाइल रिवाइजिंग, तो इन दैट केस तुम्हारे लिए टॉपिक एकदम लाइट हो जाएगा. ठीक है, इट विल वेरी वेरी इजी फॉर यू टू थिंक अबाउट इट. ठीक है, तो थोड़ा सा बदमाश मेंटालिटी, सट्टेबाजी का, बेटिंग का लाना पड़ेगा. ओके, तब जाके यू विल फील मोर नॉर्मल अबाउट इट. ठीक है, ओके, लेट्स राइट डाउन. प्लीज राइट डाउन, डोंट फॉरगेट अबाउट द फैक्ट दैट भूल गए तो. ओके, आई विल इंश्योर दैट एवरीथिंग इज कवर्ड इन योर कॉपी. लिखना प्लीज. वी डिवाइड द इंटायर टॉपिक इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स. We divide the entire topic into the following parts. We divide the entire topic into the following parts. Entire topic into the following parts. Dash. Number one, introduction. ठीक है, तो introduction में सब चीज जो बोल रहे थे ना वो पूरा cover करेंगे. जैसे फर्स्ट क्लास में अपने कॉल पुट स्वैप सबका आइडिया रहे. ओके, व्हेन वी आर मूविंग फॉरवर्ड. नंबर टू, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट. फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, ब्रैकेट FRA. फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, ब्रैकेट FRA. नंबर 3, फाइनेंशियल स्वैप. नंबर 3, फाइनेंशियल स्वैप. नंबर 4, फ्यूचर्स. नंबर 5, ऑप्शंस. नंबर 6, अदर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स. अदर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स. Other types of derivatives. ठीक है, तो ये अपने टॉपिक का पूरा क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन. हेडिंग है इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में पॉइंट नंबर 1, डेफिनेशन. पॉइंट नंबर 1, डेफिनेशन. ओके, पैरेलल डबल नोट्स चल रहे एक बुक्स का लैंग्वेज कवर करने के लिए, अपने क्लास का थॉट कवर करने के लिए. तो डेफिनेशन में लेफ्ट साइड में, इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट. इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, डेरिवेटिव का बुकिश डेफिनेशन. इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट. इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू. It is a financial contract which derives its value, from some underlying asset, comma, reference rate, comma, index, etc. It is a financial contract which derives its value from some underlying asset, reference rate, index, etc. Asset माने बोलना चाह रहे हैं स्टॉक, कमोडिटी, उन सब पे डेरिवेटिव.
रेफरेंस रेट बोलना चाह रहे हैं, लिबर पे डेरिवेटिव कि लिबर ऊपर जाए कि नीचे जाएगा उसका बेटिंग, इंडेक्स बोलना चाह रहे हैं, निफ्टी पे डेरिवेटिव किस पे, निफ्टी पे डेरिवेटिव, और एक्सेट्रा लिखे है बिकॉज टेम्परेचर पे भी होता है, रेनफॉल पे भी होता है, अपने नहीं है, ठीक है। तो अदरवाइज डेरिवेटिव मोरलेस हर चीज पे होता है, ओके, डेरिवेटिव ऑन डेरिवेटिव भी होता है, ऑप्शन पे फिर से एक ऑप्शन, ठीक है। तो वी हैव इट ऑन एसेट, रेफरेंस रेट, इंडेक्स, ठीक है। और राइट साइड में अपना डेफिनेशन, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड फॉर बेटिंग, डेरिवेटिव क्या हो गया, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड फॉर बेटिंग, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड फॉर बेटिंग, इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड फॉर बेटिंग। पॉइंट नंबर टू, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, पॉइंट नंबर टू, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, सुनना पहले, लिखने के पहले, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव में एक वैसा डेरिवेटिव है जो बोथ साइडेड बेटिंग है, क्या बेटिंग, बोथ साइडेड बेटिंग, माने ऊपर गया तो एक पार्टी का फायदा, नीचे गया तो दूसरे का फायदा, इसको बोलते हैं कमिटमेंट, क्या बोलते हैं, कमिटमेंट, जैसे फॉरवर्ड, जैसे फ्यूचर्स, जैसे स्वैप, इन सब में बोथ साइडेड बेटिंग है, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, कोई किसी को प्रीमियम नहीं देने वाला है कि चल ₹5 रख कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर। और दूसरा होता है कंटिंजेंट क्लेम, क्या होता है, कंटिंजेंट क्लेम, वन साइडेड बेटिंग, मतलब ऑप्शन, क्या ऑप्शन, कॉल ऑप्शन किसके लिए, ऊपर के लिए, पुट ऑप्शन किसके लिए, नीचे के लिए, वन साइडेड बेटिंग कंटिंजेंट क्लेम, और बोथ साइडेड बेटिंग इज फॉरवर्ड कमिटमेंट, फॉरवर्ड कमिटमेंट। तो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव में लेफ्ट साइड में फॉरवर्ड कमिटमेंट और राइट साइड में कंटिंजेंट क्लेम्स, कंटिंजेंट क्लेम्स, फॉरवर्ड कमिटमेंट और कंटिंजेंट क्लेम्स, कंटिंजेंट क्लेम्स, फॉरवर्ड कमिटमेंट के नीचे लिख दो बोथ साइडेड बेटिंग, बोथ साइडेड बेटिंग, बोथ साइडेड बेटिंग, एग्जाम्पल फॉरवर्ड कॉमा फ्यूचर्स कॉमा फाइनेंशियल स्वैप, फॉरवर्ड कॉमा फ्यूचर्स कॉमा फाइनेंशियल स्वैप, ओके। जो लॉन्ग पोजीशन लेता है उसके लिए ऊपर का फायदा, जो शॉर्ट लेता है उसके लिए नीचे का फायदा, ठीक है। फॉरवर्ड फ्यूचर्स फाइनेंशियल स्वैप, कंटिंजेंट क्लेम में वन साइडेड बेटिंग, कंटिंजेंट क्लेम में वन साइडेड बेटिंग, वन साइडेड बेटिंग, एग्जाम्पल ऑप्शंस कॉमा कैप एंड फ्लोर, कैप एंड फ्लोर, जो कैप एंड फ्लोर होता है वो भी वन साइडेड होता है, कैप ऊपर के लिए, फ्लोर नीचे के लिए, ठीक है। वो अदर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव में कवर होगा, जो 6 पॉइंट लिखाया था ना उसमें। पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री फिर से है टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, पॉइंट नंबर थ्री फिर से है टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट वाइज देना पड़ेगा इसमें। पॉइंट नंबर ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या डिस्कस किया, वन साइड बेटिंग की बोथ साइड बेटिंग, बोथ साइड बेटिंग, तो डैश बोथ साइडेड बेटिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डैश बोथ साइडेड बेटिंग, बोथ साइडेड बेटिंग। उसके नीचे लिखना लॉन्ग पोजिशन, लॉन्ग, लॉन्ग पोजिशन मतलब एफ प्लस लॉन्ग पोजिशन, जो फॉरवर्ड बाई की है लॉन्ग पोजिशन एफ प्लस, ओके। तो ऊपर जाने से उसके पास डिफरेंस आएगा, नीचे जाने से वो डिफरेंस देगा, ठीक है। लॉन्ग पोजिशन एफ प्लस डैश विल गेन इफ द प्राइस राइजेस, विल गेन इफ द प्राइस राइजेस, विल गेन इफ द प्राइस राइजेस,
ठीक है, और दूसरा शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन ब्रैकेट एफ माइनस, शॉर्ट पोजीशन ब्रैकेट एफ माइनस विल गेन इफ द प्राइस फॉल्स, विल गेन इफ द प्राइस फॉल्स, शॉर्ट पोजीशन विल गेन इफ द प्राइस फॉल्स. पॉइंट नंबर बी, फ्यूचर्स. पॉइंट नंबर बी फ्यूचर्स. मैंने बोला फ्यूचर्स और फॉरवर्ड एकदम सेम है, केवल डिफरेंस यह है कि फ्यूचर्स कहां पे ट्रेड होता है, एक्सचेंज में. फॉरवर्ड तो दो पार्टी एक दूसरे के साथ या बैंक के साथ करते हैं, और फ्यूचर्स में एनएससी ये सब आ जाते हैं. तो फ्यूचर्स आर एग्जैक्टली सिमिलर एज फॉरवर्ड, ओनली द फैक्ट दैट दे आर एक्सचेंज ट्रेडेड. व्हाट ट्रेडेड? एक्सचेंज ट्रेडेड. लिख दो, सिमिलर टू फॉरवर्ड, सिमिलर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सिमिलर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बट, सिमिलर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बट दे आर एक्सचेंज ट्रेडेड. सिमिलर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बट दे आर एक्सचेंज ट्रेडेड, बट दे आर एक्सचेंज ट्रेडेड. फॉरवर्ड तो ओवर द काउंटर होता है, ओटीसी, और फ्यूचर्स क्या? एक्सचेंज ट्रेडेड. नंबर सी, फाइनेंशियल स्वैप. फाइनेंशियल स्वैप में याद है समझाते हुए क्या बोला था? बहुत सारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर एक साथ एंटर किए, तीन तीन महीने का, दो साल तक, आठ बार, उसको स्वैप बोलते हैं ना. तो फाइनेंशियल स्वैप डैश, इट इज अ पोर्टफोलियो ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, इट इज अ पोर्टफोलियो ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो एक बार होते हैं, और अगर बहुत बार फॉरवर्ड एंटर कर लिए एक बार में, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्वैप. इट इज अ पोर्टफोलियो ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ पोर्टफोलियो ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ध्यान देना, मैंने पोर्टफोलियो ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखाया, पोर्टफोलियो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिखाया. तो मैं पूछ रहा हूं, इज इट एक्सचेंज ट्रेडेड और ओटीसी? ओटीसी, ये ओवर द काउंटर है ना. ओके, एनएससी बीएससी में फाइनेंशियल स्वैप नहीं होता है, इट इज ऑलवेज विद अ काउंटर पार्टी. ओके, बैंक के साथ. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिखाया वर्ड. ओके, पोर्टफोलियो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ब्रैकेट ओटीसी, ओवर द काउंटर है. पॉइंट नंबर डी, कॉल ऑप्शन. कॉल ऑप्शन डैश क्या लिखा है? बोथ साइडेड बेटिंग की अपसाइड बेटिंग? अपसाइड डैश अपसाइड बेटिंग. कॉल ऑप्शन डैश अपसाइड बेटिंग, अपसाइड बेटिंग. अपसाइड बेटिंग दो पार्ट, लेफ्ट साइड में सी प्लस, राइट साइड में सी माइनस. सी प्लस में बुक का डेफिनेशन, राइट टू बाय. देख दो, सी प्लस बुक का डेफिनेशन, राइट टू बाय. जो आदमी कॉल ऑप्शन बाय किया, उसका शेयर खरीदने का हक है, जबरदस्ती नहीं है. मेरा मन किया हम 50 पे शेयर बाय करेंगे, हमारा मन नहीं किया हम नहीं बाय करेंगे. राइट टू बाय, बट अपने ये नहीं फॉलो करने वाले. अपना डेफिनेशन है राइट टू एंजॉय द अपसाइड. सेकेंड बुलेट, राइट टू एंजॉय द अपसाइड. ऊपर गया तो डिफरेंस आएगा. राइट टू एंजॉय द अपसाइड विदाउट पेइंग द डाउन साइड. Right to enjoy the upside without paying the downside. Right to enjoy the upside without paying the downside. ठीक है, numbers लेते समय तुम लोग सब सही example answers दिए थे, तो you got that into your head कि 50 पे enter किए तो 50 के ऊपर जाने से पैसा आएगा, और 50 के नीचे गया तो हम पैसा नहीं देंगे, lapse हो जाएगा. ठीक है, तो right to enjoy the upside without paying the downside. C minus. बुक का डेफिनेशन क्या होने वाला है? इसका राइट टू बाय था तो इसका ऑब्लिगेशन टू सेल. लिख दो, ऑब्लिगेशन टू सेल. जो कॉल बेचा है, प्रीमियम खा के बैठा है, उसका ऑब्लिगेशन बनता है बेचने का. ठीक है, बट अपना डेफिनेशन है ऑब्लिगेशन टू पे द अपसाइड. ऑब्लिगेशन टू पे द अपसाइड. अगर दाम ऊपर गया तो इन दैट केस कॉल राइटर को डिफरेंस देना पड़ेगा. Obligation to pay the upside without enjoying the downside. Obligation to pay the upside without enjoying the downside. नीचे गिरा तो डिफरेंस नहीं आएगा, ऊपर गया तो डिफरेंस देना पड़ेगा. ठीक है, ऊपर गया तो डिफरेंस देना पड़ेगा इसको, और नीचे गया तो डिफरेंस नहीं आएगा. बहुत खराब पोजिशन है इसका, बट फायदा क्या है? इसको क्या मिला है शुरू में? प्रीमियम. ओके, नीचे लिख देना अलग से, ऑब्वियसली, अलग से ऑब्वियसली.
नीचे अलग से लिख देना ऑब्वियसली सी प्लस विल पे टू सी माइनस, सी प्लस विल पे टू सी माइनस एन अप फ्रंट कॉल प्रीमियम. सी प्लस विल पे टू सी माइनस एन अप फ्रंट कॉल प्रीमियम. सी प्लस जो आदमी किया है कॉल बाई किया है विल पे टू सी माइनस एन अप फ्रंट कॉल प्रीमियम. वॉट इज कॉल प्रीमियम? हक का दाम, शेयर का दाम नहीं, हक का दाम. जो हक खरीदे ना मिस्टर ए उसका पैसा दे रहा है 5 रुपया 7 रुपया. ओके लास्ट वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर व्हाट? ई पुट ऑप्शन. पुट ऑप्शन डैश देखे क्या लिखने वाला है? डाउन साइड बेटिंग. पुट केवल नीचे के लिए होते हैं, ऊपर जाने से लैप्स. पुट ऑप्शन डैश डाउन साइड बेटिंग. पुट ऑप्शन डैश डाउन साइड बेटिंग. डाउन साइड बेटिंग लेफ्ट साइड में पी प्लस जो हक खरीदा, राइट साइड में पी माइनस जो हक बेचा. पी प्लस इज द पुट बायर. पुट बायर माने शेयर बायर नहीं, हक का बायर. ओके नीचे गिरने का हक एंजॉय करने का बायर. पुट बायर पी प्लस और पी माइनस. तो पी प्लस का बुकिश डेफिनेशन राइट टू सेल. बुकिश डेफिनेशन राइट टू सेल. राइट टू सेल इज ऑफ नो यूज. द यूजफुल थिंग इज राइट टू एंजॉय द डाउन साइड. राइट टू एंजॉय द डाउन साइड विदाउट पेइंग द अपसाइड. राइट टू एंजॉय द डाउन साइड विदाउट पेइंग द अपसाइड. राइट टू एंजॉय द डाउन साइड विदाउट पेइंग द अपसाइड. ओके दाम नीचे गया तो इन दैट केस पैसा मिलेगा, ऊपर गया तो लैप्स. और पी माइनस में अगर अगले का राइट टू सेल था, राइट टू सेल तो इसका ऑब्लिगेशन टू बाय लिख दो. ऑब्लिगेशन टू बाय, ऑब्लिगेशन टू बाय. ठीक है और अपना तरीका सोचने का ऑब्लिगेशन टू पे द डाउन साइड. ऑब्लिगेशन टू पे द डाउन साइड विदाउट रिसीविंग द अपसाइड. ऑब्लिगेशन टू पे द डाउन साइड विदाउट रिसीविंग द अपसाइड. ऑब्लिगेशन टू पे द डाउन साइड विदाउट रिसीविंग द अपसाइड. नीचे फिर से लिख देना ऑब्वियसली अलग से. ऑब्वियसली कौन शुरू में किसको प्रीमियम देगा? पी प्लस वाला पी माइनस को. ऑब्वियसली पी प्लस विल पे टू पी माइनस. पी प्लस विल पे टू पी माइनस एन अप फ्रंट पुट प्रीमियम. P plus will pay to P minus an upfront put premium. Okay, hakkadam. An upfront put premium. ठीक है? Numbers का जो help है, वो अपने break के बाद लेंगे call put के अंदर. ठीक है? जो numbers का help बोल रहा था. Take a break. Okay, let's continue. Example ले रहे हैं options पे. Example. Example, you bought a put option. You bought a put option. You bought a put option. Okay, तो language of bought a put option मने हक खरीदे. और put option है कहां का हक? नीचे का हक. Okay, put option है. You bought a put option on a stock. On a stock at a strike price of at a strike price of 500. ओके जिस लेवल के नीचे या ऊपर का हक है उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस. क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस. तो बेसिकली तुमने 500 के नीचे का डिफरेंस एंजॉय करने का हक खरीदा है. यू बॉट अ पुट ऑप्शन. ठीक है तो ऑन अ स्टॉक एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 500. व्हाट टू थिंक 500 के नीचे का हक? फॉर अ प्रीमियम ऑफ, फॉर अ प्रीमियम ऑफ, फॉर अ प्रीमियम ऑफ 60. फॉर अ प्रीमियम ऑफ 60 माने 60 रुपया आपको मिला कि आपको देना पड़ा? देना पड़ा, हक खरीदे. ठीक है फॉर अ प्रीमियम ऑफ 60 फुल स्टॉप. व्हाट वुड बी योर प्रॉफिट और लॉस? व्हाट वुड बी योर पे ऑफ? व्हाट वुड बी योर पे ऑफ एंड प्रॉफिट? व्हाट वुड बी योर पे ऑफ एंड प्रॉफिट? व्हाट वुड बी योर पे ऑफ एंड प्रॉफिट?
if on maturity, what would be your payoff and profit if on maturity, dash, next line, first bullet, S equal to 590, share ka dam 590 ho gaya, bad gaya, to put kya hoga? Lapse, theek hai, to lapse ho gaya, aur jo 60 rupiya diya tha wo kya ho gaya? Loss, like the dash, put lapses. Okay, question answer ek sath chal raha hai, because it's easy. Put lapses, that is payoff equal to nil. Payoff ka matlab hota hai maturity mein jo cash inflow outflow hoga, kuch nahi hoga. Payoff is equal to nil, and loss equal to what? 60. Loss equal to 60, the initial premium paid. Loss equal to 60. Second bullet, S equal to 430. Share ka dam 430 ho gaya, isi ka to intajar tha, dam gira hai, to put exercised. In favor ya against? Favor, hamara put hai. In favor, kitna milega? 70. Yani fayda kitna hua? 10. Likh do. Put exercised in our favor. Therefore, payoff equal to 70. Okay, 500 ke niche, jitna niche gaya. Payoff equal to 70. And profit equal to 70 minus 60 equal to 10. ठीक है? Next example. You sold a call option माने C plus की C minus ना हक बेचा है. Call है माने ऊपर का हक. पर हक खरीदा है कि बेचा है? बेचा है. माने ऊपर जाने से डिफरेंस देना पड़ेगा. You sold a call option. Okay, C minus on a stock. You sold a call option, मतलब C minus on a stock. At a strike price का notation होता है E. It is also called exercise price. At a strike price या exercise price of 800. At a strike price, exercise price of 800 for a premium of 90, 90 मिला कि गया? मिला. 90 आया ना, premium आया, हक बेचे है, 90 रुपया आया, 90 खाया है, ठीक है? For a premium of 90, full stop. What would be your payoff and profit? What would be your payoff and profit if on maturity? What would be your payoff and profit if on maturity? If on maturity, dash, next line, first bullet, S equal to 1000. Dam upar chala gaya, to call to josh mein. Dam upar jane ke liye call bana hai. Call josh mein, barjosh, tumhare favor bhi hai ki against mein? Against, because tum call khaida nahi hai, becha hai. ठीक है? तो तुमको कितना देना पड़ेगा? 200 आपको देना पड़ेगा C माइनस को. और खा के कितना बैठा है? 90. तो नेट में लॉस कितना? 110. ठीक है, लिख दो. कॉल एक्सरसाइज्ड क्या लिखा है? इन फेवर या अगेंस्ट? अगेंस्ट. कॉल एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट अस. देयरफॉर पे ऑफ इक्वल टू माइनस 200. And loss equal to 110. 200 rupiah gaya, 90 rupiah aya tha. Loss equal to 110. Second bullet, S equal to 500. Dam niche gir gaya, call niche ke liye bana hi nahi hai. To call kya hoga? Lapse. Call lapses. Payoff nil. Koi kisi ko ek paisa nahi dega. और अपने 90 खा के बैठे हैं, तो प्रॉफिट इक्वल टू 90. ओके, जब ऑप्शंस करेंगे तब और डीपली इलैबोरेट करेंगे. अभी केवल यहां पे लास्ट पे लिख दो, फूड फॉर थॉट
What is the food for thought? Sunnah, please. Because only if you understand, then you will appreciate it. And it's a very easy but a very high level thinking. Sunnah, please. And ye recapitulate hoga jo options chapter karenge. Abhi digest kar pao to bahut badhiya. Theek hai to? Aur nahi kar pao to bhi option wale topic mein wahan pe cover hoga. Sunnah. Jo option khareedta hai, maine call option khareeda. Exercise price 500. Call option khareeda, exercise price 500. To isme kya hoga? दाम ऊपर जाने से पैसा आएगा, नीचे जाने से कुछ नहीं देना पड़ेगा. बट मेरा प्रीमियम सपोज गया है 40. कितना गया है? 40 का प्रीमियम गया है. रियल लाइफ में नॉर्मली नॉर्मल चीजें होती है, कभी कभी अब नॉर्मल चीजें होती है ना. तो आई एम ट्राइंग टू से मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, ये अगर एक महीने का ऑप्शन है, कितने महीने का? एक महीने का. तो एक महीना जब बीतेगा तो मेच्योरिटी आएगा ना. मेच्योरिटी आ गया उस समय मोस्ट प्रोबेबली शेयर का दाम या तो जरा सा ऊपर गया होगा या जरा सा नीचे. बिकॉज भीषण मूवमेंट तो कभी कभी होता है, नॉर्मली तो जरा सा मूवमेंट ही होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो नॉर्मली शेयर का दाम जरा सा ऊपर या जरा सा नीचे गया होगा. कॉल ऑप्शन कितना खराब बेटिंग अपसाइड कि सर दाम ऊपर जाने से भी लॉस. फॉरवर्ड बाई करो तो ऊपर जाने से प्रॉफिट. कॉल ऑप्शन सी प्लस इतना खराब है कि दाम ऊपर जाने से भी लॉस. समझ रहे तुम? प्रोवाइडेड दाम शर्मा के ऊपर गया, माने 500 का 510 हो गया, क्या होगा? लॉस. 10 रुपया आएगा तो 40 तो दे चुका, 540 तक तो लॉस है. तो नीचे जाने से तो लॉस है ही, यहां पे तो ऊपर जाने से भी लॉस. केवल एक ही तरफ से प्रॉफिट हो सकता है, अगर दाम फाटाफाटी से ऊपर जाए, माने दाम बहुत जोर से ऊपर जाए, एकदम बहुत ज्यादा, तब जाके जोर का प्रॉफिट है ना. तो मेनी पीपल थिंक दैट कॉल ऑप्शन कितना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है सी प्लस. क्यों फालतू में लोग शेयर बाई करते हैं, फॉरवर्ड बाई करते हैं? बिकॉज शेयर या फॉरवर्ड अगर बाई करेंगे तो ऊपर जाने से प्रॉफिट, नीचे जाने से पैसा देना पड़ता है. और यहां पे तो नीचे जाने से पैसा देना ही नहीं पड़ता है. तो व्हाट यू कैन लूज इज ओनली 40, व्हाट यू कैन लूज इज ओनली 40. और सारा आकाश हमारा है ना, जाने को 40 आने को क्या. हाउएवर लुक एट दिस लैंग्वेज, दोज हु आर बाइंग ऑप्शंस दे हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ स्मॉल अमाउंट. They have a high probability of losing a small amount. The loss ही खाने वाला है. वो अलग बात है कि loss बड़ा है छोटा, छोटा. Because 40 के ऊपर तो loss ही नहीं हो सकता इसको. ये तो 40 रुपया दे दिया ना, अब क्या? अब तो कुछ नहीं जा सकता घर से. या तो पैसा आएगा और या जीरो होगा. ठीक है? तो large probability of losing a small amount and a very small probability of gaining a big amount. Large probability of losing a small amount. Net नुकसान होने वाला है 10-20-30 का. समझ गया? बट आउटसाइड चांस है कि क्या पता जोर का लंबा चौड़ा प्रॉफिट हो जाए. सोचने में क्या लगता है, शेयर का दाम एक महीने बाद 1500 हो गया तो? अब ऐसे 500 का शेयर 1500 में होता थोड़ी है, बट हो गया तो फायदा कितना होगा? वहां पे 1000 और गया कितना? 40, 960. द प्रोबेबिलिटी इज हाई और लो? बोल रहा है हाई कोई. द प्रोबेबिलिटी इज लो ना, ऐसा होने का चांस तो बहुत कम है. ठीक है? तो अगर आप नंबर्स देखोगे, नंबर्स, तो कॉल ऑप्शन बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है. लॉस होने को 40, फायदा होने को लाख. शेयर का दाम 5 लाख हो गया तो देयर इज नो इश्यू. ओके, सोचने में तो लॉस छोटा सा और प्रॉफिट बड़ा. तो वंस यू आर लुकिंग एट द अमाउंट, यू विल फील लाइक कॉल ऑप्शन इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड. ठीक है? तो बट लुक एट द प्रोबेबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबली इसमें क्या होने वाला है? लॉस. क्योंकि दाम या तो गिरेगा और या जरा सा बढ़ेगा. जरा सा बढ़ने पर भी लॉस है, एकदम जोर से बढ़ने पर क्या है? प्रॉफिट. ठीक है? तो और वैसे ही जो कॉल बेचा है सी माइनस, उसका मेंटालिटी क्या है? सुनना, उसका मेंटालिटी है कि यार ये दाम तो नीचे गिरने वाला है, दाम तो नीचे गिरने वाला है और बढ़ भी गया तो जरा बहुत बढ़ेगा. दाम नीचे गिरने वाला है और बढ़ भी गया तो जरा सा बढ़ेगा. चल 40 खा के बैठ जाते और होगा भी वही. या तो दाम गिरेगा और या दाम जरा सा बढ़ेगा. अगर जरा सा बढ़ा भी तो उसको 10-15 रुपया देना पड़ेगा. तो 40 तो खा के बैठा है तो नेट क्या होगा? प्रॉफिट. पर कभी ना कभी खाया हुआ जोर का निकलेगा. अगर दाम बहुत जोर से बढ़ गया ना, अगर दाम उल्टा पुल्टा बढ़ गया तो क्या होगा? सारा भूल जाएगा. ठीक है? तो सी माइनस, दोज हु सेल ऑप्शंस दे आर हैविंग अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ स्मॉल अमाउंट. बहुत ज्यादा चांस है वो लोग जीतेंगे छोटा सा अमाउंट. बट देर इज अ लो प्रोबेबिलिटी, स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ बिग अमाउंट. ठीक है? तो दैट इज द ऑप्शन का प्ले. अदरवाइज People feel and students feel while studying कि यार ऑप्शन बेचना कितना ज्यादा खराब चीज है. 40 रुपया के लिए पूरा जिंदगी दाव पे लगा रहे हो. ठीक है? However, most probably जो है कमा के निकलोगे. Because वो जो exceptional चीज है ना, उल्टा पुल्टा बढ़ना, वो होता थोड़ी है, कभी कभार होता है.
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक है और दूसरा है नंबर्स। नंबर्स ऑप्शन बाइंग के फेवर में है, प्रोबेबिलिटी किसके फेवर में है? ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, मैंने बोला फूड फॉर थॉट एज इन अभी समझ में आया और रह गया मन में तो बहुत बढ़िया बात है, वरना जो ऑप्शन टॉपिक अलग से पकड़ेंगे तो इन दैट केस वी विल गिव मोर टाइम इनटू इट। ठीक है, तो लिख दो फूड फॉर थॉट में ऑप्शन बाय, ऑप्शन बाय, ऑप्शन बाय। तो ऑप्शन बायर जब बोलना चाह रहे हैं तो दोनों बोलना चाह रहे हैं, तो सी प्लस या फिर पी प्लस, कॉल बायर या पुट बायर। ऑप्शन बाय ब्रैकेट सी प्लस और पी प्लस रन्स अ हाई प्रोबेबिलिटी, रन्स अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखा हूं, लूजिंग या विनिंग, लूजिंग, ऑफ लूजिंग अ स्मॉल अमाउंट, रन्स अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ स्मॉल अमाउंट। जो 40 रुपया दिए उससे ऊपर तो लॉस हो ही नहीं सकता हमारा, ऑफ लूजिंग अ स्मॉल अमाउंट, 10, 20, 30, 40 का लॉस होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑयली होगा ही, ऑफ लूजिंग अ स्मॉल अमाउंट विथ अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी, विथ अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी, विथ अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी, विथ अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ ह्यूज अमाउंट, विथ अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ ह्यूज अमाउंट, विनिंग अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, तो कॉल बायर ये नहीं चाहता कि दाम बढ़े, वो चाहता है दाम जोर से बढ़े। पुट बायर ये नहीं चाहता कि दाम गिरे, वो चाहता है दाम जोर से गिरे, जो हो जोर से हो, ये पार या वो पार। ठीक है, कॉल पुट बायर लो। ठीक है, तो दैट इज द फूड फॉर थॉट, वी विल कम बैक टू इट व्हेन वी डू द ऑप्शंस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अपना पॉइंट चल रहा था, शायद पॉइंट नंबर 4 स्टार्ट होगा, है ना। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट था डेफिनेशन, सेकेंड पॉइंट था टाइप, थर्ड पॉइंट क्या था टाइप, फोर्थ पॉइंट भी वही है, फोर्थ पॉइंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, फोर्थ पॉइंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर थियरी, इस बार जो क्लासिफिकेशन हो रहे, फोर्थ पॉइंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, दो तरह का डेरिवेटिव्स होता है, एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड, एक्सचेंज ट्रेडेड जो एनएससी बीएससी में ट्रेड होते हैं, और दूसरा होता है ओवर द काउंटर, जो काउंटर पार्टी के साथ करते हैं या बैंक के साथ करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड ओवर द काउंटर, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, एक्सचेंज ट्रेडेड ओवर द काउंटर। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर थियरी, एग्जाम में क्या आया हुआ बता रहा हूं, तीन चार बार थियरी क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स, बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स, फॉरवर्ड कौन सा वैरायटी है, ओटीसी, फॉरवर्ड तो ओटीसी, और फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड, तो जो अपने लिखने वाले हैं वही आंसर फॉरवर्ड वर्सेस फ्यूचर्स का आंसर है, समझ गया। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थियरी विच इज नेसेसरी टू बी अंडरस्टूड ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ द चैप्टर, केवल थियरी का बात नहीं है, आपको समझना ही पड़ेगा और थियरी भी वैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंस समझने के ऊपर देर इज एन इंपॉर्टेंस, देयरफॉर आई एम ट्राइंग टू मेक ऑल द पॉइंट्स कम आउट ऑफ यू ऑल। ठीक है, सुनना प्लीज, एक्सचेंज ट्रेडेड ओटीसी, ऐसा कौन सा डेरिवेटिव फॉरवर्ड वर्सेस फ्यूचर, सोच के बोलना, जिसमें हम अगर बैंक के पास ओटीसी या फिर एक्सचेंज के पास जाएंगे एनएससी के पास और उसको बोलेंगे भाई मैंने डॉलर, मैंने माल इंपोर्ट किया यूएस से तो मेरा 35,335.2 डॉलर्स पेबल है, सोचो टाइम पास कितना कर रहे, 35,335.2 डॉलर्स पेबल है 17 मार्च को रात को 7 बजे। ठीक है, 17 मार्च को रात को 7 बजे, तो मेरे को डॉलर बढ़ने का डर है, तो हमको 35,000 पता नहीं कितना बोला था 335.2 डॉलर्स खरीदना है 17 मार्च को शाम को 7 बजे, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कौन करने तैयार हो जाएगा, बैंक, ओके, एनएससी वाला बोलेगा टाइम पास हो रहा है बाजार बंद हो जाता है 4 बजे। So I am trying to say what happens is that over the counter derivatives are customized. What are they? Customized. Bank wale ko tum bolega 236,335 dollar contract karna hai. Theek hai, aaiye. Kab ka karna hai? 17 March. Theek hai. NSE wala bolega ki agar maturity 25 March hota hai. Kaun sa? 25 March. To sab ke liye 25 March hai. Tere liye naya 17 March ka paida nahi karenge. अगर एक लॉट में 50,000 डॉलर्स है तो या तो एक लॉट ले या फिर दो लॉट ले या फिर तीन लॉट ले, सवा दो लॉट, ये सब नहीं होता यहां पे। तो विच डेरिवेटिव्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड आर स्टैंडर्डाइज्ड, द लॉट साइज इज फिक्स्ड, द मैच्योरिटी डेट इज फिक्स्ड, एंड विच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कस्टमाइज्ड,
ओटीसी कस्टमाइज्ड है, ठीक है? तो आपको बेटर फीचर्स किस पे दिख रहा है? ओटीसी में ना, ओटीसी में जो तुम चाह रहे हो एग्जैक्टली वो मिलेगा, ठीक है? और एक्सचेंज ट्रेडेड में वो नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड फीचर्स है, दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस, लिख देना। एक्सचेंज ट्रेडेड में पॉइंट नंबर वन स्टैंडर्डाइज्ड, एक्सचेंज ट्रेडेड में पॉइंट नंबर वन स्टैंडर्डाइज्ड, और ओवर द काउंटर में कस्टमाइज्ड, ओवर द काउंटर में कस्टमाइज्ड। देखना कि रिवाइज करते समय ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स नहीं रह जाए, मतलब यू अंडरस्टैंड, ठीक है? स्टैंडर्डाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब है लॉट साइज एंड मैच्योरिटी डेट इज फिक्स्ड, ठीक है? जो लॉट साइज है और जो मैच्योरिटी का डेट है वो फिक्स्ड है, वो कस्टमर के अनुसार चेंज नहीं होगा, ठीक है? लॉट साइज एंड मैच्योरिटी डेट आर फिक्स्ड फ्यूचर्स वगैरह में, ठीक है? लॉट साइज एंड मैच्योरिटी डेट आर फिक्स्ड एक्सचेंज ट्रेडेड में, स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब। सुनना प्लीज, ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, ओके? कि रिलायंस का शेयर तीन महीने बाद ए बोल रहा है 1000 के ऊपर जाएगा, बी बोल रहा है 1000 के नीचे रहेगा। ए बोल रहा है 1000 के ऊपर जाएगा, बी बोल रहा है 1000 के नीचे रहेगा। ए का एफ प्लस बी का एफ माइनस, बेटिंग चल रहा है, ठीक है? तो ए और बी कॉन्ट्रैक्ट किया, कितने शेयर्स पे? 5000 शेयर्स, 5000 शेयर्स का बेटिंग किया है, ए ऊपर का बेटिंग भी नीचे का बेटिंग, ठीक है? तो क्या ए को ये शक है कि अगर दाम जोर से बढ़ गया रिलायंस का तो बी भाग जाएगा? क्या ए को ये शक है, मैं पूछ रहा हूं बोर्ड पे, कि अगर दाम रिलायंस का जोर से बढ़ गया, ओके, तो बी भाग सकता है? यस ना, बिकॉज अगर दाम ऊपर बढ़ा तो ए बेटिंग जीत गया, तो बी सपोज टू पे द डिफरेंस एंड बी मे रन अवे। और क्या बी को शक है कि अगर दाम जोर से नीचे गिर गया तो ए भाग जाएगा? और दोनों को एक दूसरे पे शक है, ठीक है? तो इतना शक होने पे दोनों कॉन्ट्रैक्ट ही बहुत बार एंटर नहीं करते, छोड़, ठीक है ना? क्या फायदा? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स में देयर इज अ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, द अदर पार्टी कैन डिफॉल्ट। इन द केस ऑफ फ्यूचर्स, इन द केस ऑफ फ्यूचर्स, ए जो है वो कलकत्ता में बैठा है, बी बॉम्बे का पर्सन है, ओके? दोनों स्क्रीन के सामने बैठा है, ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठा है, और ए बुलिश है रिलायंस पे, बुलिश दाम बढ़ेगा, और बी बेयरिश है दाम गिरेगा। तो ए जिस समय पे बाय ऑर्डर मारा उसी समय बी बॉम्बे में सेल ऑर्डर मारा। क्या ए बी को जानता है? नहीं, बी बी ए को नहीं जानता और जानने का जरूरत भी नहीं है। क्लियरिंग हाउस बीच में आ गया, क्लियरिंग हाउस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज बीच में आ गया। क्लियरिंग हाउस बिकम्स अ बायर टू एवरी सेलर एंड सेलर टू एवरी बायर। तो क्लियरिंग हाउस क्या किया? ए जब बाई किया तो क्लियरिंग हाउस बोला ठीक है हम सेल, ठीक है? और बी क्या किया? सेल। तो क्लियरिंग हाउस क्या कर लिया? बाय। समझ गया? तो क्लियरिंग हाउस कम्स इन बिटवीन, स्प्लिट्स द कॉन्ट्रैक्ट इनटू टू पार्ट्स, बिकम्स अ सेलर टू ए, बिकम्स अ बायर टू बी। तो ए का सौदा किसके साथ हुआ है? बी के साथ कि क्लियरिंग हाउस के साथ? क्लियरिंग हाउस के साथ। इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंजेस इवन द कराची स्टॉक एक्सचेंज हैज नेवर डिफॉल्टेड, ठीक है? तो कराची स्टॉक एक्सचेंज भी आज तक डिफॉल्ट नहीं किया, तो वी मे प्रिज्यूम दैट स्टॉक एक्सचेंजेस लोग डिफॉल्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो सो क्लियरिंग हाउस आज तक डिफॉल्ट नहीं किया, तो क्या अब एक क्लियरिंग हाउस को शक का निगाह से देखेगा कि दाम बढ़ गया तो क्लियरिंग हाउस भाग जाएगा? नहीं। और बी क्या क्लियरिंग हाउस को शक से देखेगा? नहीं। बट क्लियरिंग हाउस क्या ए और बी दोनों को शक से देखेगा? हाँ, ठीक है ना? तो क्लियरिंग हाउस इज अफ्रेड दैट ए मे फ्ली अवे इफ द प्राइस फॉल्स एंड बी मे फ्ली अवे इफ द प्राइस राइजेस, है ना? तो क्लियरिंग हाउस दोनों को बोलेगा मार्जिन जमा करो। क्या जमा करो? मार्जिन। बहुत बहुत स्पेकुलेशन करने का मन हुआ है ना, पैसा जमा कर, ठीक है, फिर जाके होगा। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज अ मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हाट रिक्वायरमेंट? मार्जिन, ठीक है? तुम सौदा लगा जो लगाना है, पर मार्जिन जमा कर जिससे भागने का डर बचे ना, ठीक है? तो फ्यूचर्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट और फॉरवर्ड में मार्जिन रिक्वायरमेंट जनरली नहीं होता है, अनलेस एंड अंटिल तुम इतना निम्न कोटि का कस्टमर है कि बैंक वाला तुमको शक करते हैं, ठीक है? तब अलग बात है, वो स्पेशल है, बट अदरवाइज फॉरवर्ड में मार्जिन नहीं होता है, फ्यूचर में मार्जिन होता है, ठीक है? तो और किस में डिफॉल्ट रिस्क है? फॉरवर्ड। फ्यूचर्स में डिफॉल्ट रिस्क है नहीं, बिकॉज क्लियरिंग हाउस तो डिफॉल्ट करेगा नहीं, और पार्टी डिफॉल्ट नहीं करेगा, बिकॉज क्या पड़ा है उसका? मार्जिन, ठीक है? तो लिख दो, दो पॉइंट मिल गए यहां से। एक्सचेंज ट्रेडेड में पॉइंट नंबर टू, स्ट्रिक्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, स्ट्रिक्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, स्ट्रिक्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स,
स्ट्रिक्ट का मतलब बोलना चाह रहे, अगर मार्जिन नहीं रहा उतना तो सौदा काट देगा तेरा। तो स्ट्रिक्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट, अपने मार्जिन देते हैं ब्रोकर को, ब्रोकर देते हैं एक्सचेंज को, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट, और ओटीसी में नो मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओवर द काउंटर में नो मार्जिन रिक्वायरमेंट, ओवर द काउंटर में नो मार्जिन रिक्वायरमेंट। एक्सचेंज ट्रेडेड में पॉइंट नंबर 3, वर्चुअली नो काउंटर पार्टी रिस्क, वर्चुअली नो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, वर्चुअली नो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, वर्चुअली नो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क। और ओटीसी में काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क एग्जिस्ट, ओटीसी में काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क एग्जिस्ट, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क एग्जिस्ट। ओके, नाउ बाकी पॉइंट्स और समझाने के लिए सुनना प्लीज। ए अगर अपने, अगर पूरे फॉरेक्स चैप्टर में अगर अपने बैंक से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए 3 महीने का कि बाई करेंगे ₹48 पर डॉलर, बैंक से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए 3 महीने का, 1 जनवरी को किया कि बाई करेगा $50,000 48 पे, ये 3 मंथ फॉरवर्ड रेट है 1 जनवरी को, ठीक है ना। अपने बैंक से फिर मिलने कब जाते हैं? 3 महीना बाद। कैंसिलेशन एक्सटेंशन अलग बात है, उसका बात छोड़ दो, ठीक है ना। अदरवाइज तो 3 महीने बाद जाके $50,000 इस रेट पे खरीदते हैं ना, यही तो फॉरवर्ड में हुआ है। मैं पूछ रहा हूं कि अपने 1 जनवरी को फॉरवर्ड एंटर किए, क्या 2 जनवरी को कोई नया पार्टी जब फॉरवर्ड एंटर करता होगा तो रेट 48 ही होता है कि चेंज हो गया होगा? 3 जनवरी को भी, 4 जनवरी को भी, बट हम लोग का रेट 48 पे फिक्स रहता है कि बैंक वाला वो भी चेंज करता है? फिक्स रहता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो रेट हमारा फिक्स हो गया ना, 48 पे ही हम खरीदेंगे। बाजार में रेट चेंज हो रहा है क्या? यस, पर हमारा रेट चेंज हो रहा है क्या? नो। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर रीप्राइस्ड और नॉट रीप्राइस्ड? नॉट रीप्राइस्ड, देयर इज नो रीप्राइसिंग, द रेट इज फिक्स्ड 48, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट रीप्राइस्ड। फ्यूचर्स में क्या होता है, ध्यान देना प्लीज। फ्यूचर्स में जो अपने उसका एग्जाम्पल ले रहे थे, फ्यूचर्स में यहां पे रिलायंस का जो बात हो रहा था, तो ए फ्यूचर्स एंटर किया 1000 पे, बीबी फ्यूचर्स एंटर किया क्या 1000 पे। ए का अपसाइड बेटिंग है, बी का डाउनसाइड बेटिंग है, ध्यान देना। दोनों का मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है, ₹200। तो ए ₹200 जमा किया, बीबी ₹200 जमा किया, दोनों के लेजर अकाउंट में क्रेडिट हो गया कि हाँ भाई ₹200 तुम लोग का पड़ा हुआ है। उसी दिन ये लोग सपोज 10:30 बजे एंटर किया था सौदा, उसी दिन हर मोमेंट पे तो दाम चेंज हो रहा है फ्यूचर्स का। ज्यादा बायर्स लोग आ गए तो दाम बढ़ता है, ज्यादा सेलर्स लोग आ गए तो दाम गिरता है। उस दिन जब बाजार क्लोज हुआ तो फ्यूचर्स बंद हुआ है, फ्यूचर्स बंद हुआ है 1120 पे। मैं उसी दिन का बात कर रहा हूं, अभी 3 महीना बाकी है, 1120 पे बंद हुआ है। आज कौन जीता है? ए। आज तो ए जीता है, वो अलग बात है कि भी और टाइम बाकी है। क्लियरिंग हाउस क्या करता है, आज का हिसाब आज सल्ट आता है, विच मीन्स आज ही कॉन्ट्रैक्ट को 1000 से काट के 1120 पे कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट को रीप्राइस कर देगा क्या 1120, और ₹120 ए के अकाउंट में क्रेडिट, ए के अकाउंट में क्रेडिट, बी के अकाउंट में डेबिट, समझ गया। तो डेली सेटलमेंट ऑफ गेन्स एंड लॉस, डेली सेटलमेंट ऑफ गेन्स एंड लॉस, डेली रीप्राइसिंग M2M, मार्क टू मार्केट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर मार्क टू मार्केट एवरी डे, मार्क टू मार्केट इज ओके, कॉन्ट्रैक्ट रीप्राइस किया जा रहा है एंड द डिफरेंस इज एडजस्टेड इन द मार्जिन, डिफरेंस एडजस्टेड इन द मार्जिन। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई रीप्राइसिंग नहीं होता, अगर एंटर किए थे 1000 पे तो 1000 ही रहेगा लास्ट तक, और उस दिन का दाम बाद में कंपेयर होगा, ठीक है। तो फ्यूचर्स में M2M फीचर है, डेली सेटलमेंट ऑफ गेन्स एंड लॉस है, और फॉरवर्ड में M2M फीचर नहीं है, गेन्स एंड लॉस एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट, ठीक है ना, लिख देना। एक्सचेंज ट्रेडेड में पॉइंट नंबर 4, these are marked to market every day, these are marked to market every day, these are marked to market every day, marked to market every day, with the difference being adjusted in the margin, with the difference being adjusted in the margin, with the difference being adjusted in the margin, difference being adjusted in the margin, adjusted in the margin,
वहीं पे उसी पॉइंट में. सो सो देयर इज डेली सेटलमेंट ऑफ गेन्स एंड लॉस. देयर इज डेली सेटलमेंट ऑफ गेन्स एंड लॉस. ठीक है, गेन्स एंड लॉसेस, डेली सेटलमेंट ऑफ गेन्स एंड लॉसेस. और वहां पे ओटीसी में देयर इज नो रीप्राइसिंग. देयर इज नो रीप्राइसिंग. There is no repricing. Full stop. So, gains and losses get accumulated. There is no repricing. So, gains and losses get accumulated. Gains and losses get accumulated. Get accumulated. Okay. What do you think is your common sense understanding? कहाँ पे एक-एक deal millions, billions of dollars का होता होगा? ओवर द काउंटर में, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव में बिग बिग पार्टीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट इज एंटरिंग इनटू अ डील विद जेपी मॉर्गन. माइक्रोसॉफ्ट इज एंटरिंग इनटू अ डील विद जेपी मॉर्गन फॉर सम सोफिस्टिकेटेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, द डील इज नॉट वर्थ अ पेनी, इट्स वर्थ बिग अमाउंट्स ना. तो बड़ा बड़ा डील स्ट्राइक होता है. रेगुलेटर्स का यह बिलीफ है कि अगर दो सोफिस्टिकेटेड एंटिटीज अगर कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाह रहे हैं एंड बोथ आर नॉलेजेबल, लेट देम एंटर. क्यों आके लॉज एंड रेगुलेशन उस पर जाके आधा माने ज्यादा दिमाग अड़ाए. इफ देर आर टू सोफिस्टिकेटेड एंटिटीज एंटरिंग इनटू सम कॉन्ट्रैक्ट, लेट देम एंटर ना. इट शुड बी अ फ्री मार्केट. बट एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव में तो लार्ज पब्लिक, स्मॉल इन्वेस्टर्स आर पार्टिसिपेटिंग. स्मॉल इन्वेस्टर्स आर पार्टिसिपेटिंग. डोंट यू अंडरस्टैंड, वहां पे रेगुलेटरी फोकस विल बी हाई और लो. हाई जहां पे स्मॉल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, दे आर नॉट नॉलेजेबल, दे कुड बी टेकन फॉर अ राइड. देयरफॉर सेबी और एसईसी और व्हाटएवर इज गोइंग टू रेगुलेट द मार्केट स्ट्रिंजेंटली ना. बट जहां पे ओटीसी मार्केट है, वहां पे तो सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इट इज बिलीव दैट दे आर मैच्योर्ड पार्टीज एंटरिंग इन टू व्हाटएवर कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट दे वांट टू. लेट देम एंटर. व्हाई वुड दे नॉट मेंटेन सीक्रेसी ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट? दे शुड बी अलाउड टू ना. समझ गया? तो एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव्स आर रेगुलेटेड हाईली, बट ओटीसी आर व्हाट? लेस रेगुलेटेड. ठीक है, तो लिख देना. एक्सचेंज ट्रेडेड में हाईली रेगुलेटेड, एक्सचेंज ट्रेडेड में हाईली रेगुलेटेड, ओवर द काउंटर में लेस रेगुलेटेड. ओवर द काउंटर में लेस रेगुलेटेड, लेस रेगुलेटेड. 10 बजे सुबह फ्यूचर्स बाय किए, 900 पे फ्यूचर्स बाई किए माने कुछ बाई नहीं किए. 900 पे फ्यूचर्स बाई किए माने क्या बाई किए? कुछ नहीं, बेटिंग किए 900 के ऊपर का. ये नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम होगा. हम बोल रहे हैं आज मार्च एंड का, कब का? मार्च एंड का 900 पे हम फ्यूचर्स बाई किया आज सुबह 10 बजे. हम क्या बाई किया? कुछ नहीं, हम 900 के ऊपर का बेटिंग किए. तुम्हारे दिमाग में ये जाना चाहिए. ओके, तुम ज्यादा बाई सोचेगा तो बाई हो जाएगा. ठीक है, तो 10 बजे सुबह 900 पे फ्यूचर्स बाई किया तो 900 के ऊपर का बेटिंग किया है. एक्सचेंज को डर है हम भाग सकते हैं, मेरे से क्या मांगा? मार्जिन. यही तो हुआ 15 मिनट बाद बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग. वही फ्यूचर्स का भाव 950 चल रहा है, वही फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट का भाव 950 चल रहा है. क्या हम सेल कर सकता है कि नहीं? यस, एक मिनट बाद सेल करेंगे मेरा मन. ठीक है, और जैसे ही हम 950 पे सेल कर दिया, मेरा सौदा एग्जिस्ट करा कि कट 50 का फायदा हो गया ना, 50 का फायदा हो गया. वापिस से मेरा मन 11 बजे बाई करेंगे, 12 बजे सेल, 15 बार बाई, 50 बार सेल. हमारा मन किस पे कर सकता है? फ्यूचर्स के साथ कि फॉरवर्ड के साथ? फ्यूचर्स के साथ. बैंक वाला बोलेगा आरबीआई का गाइडलाइन कैंसिलेशन का, तो ये धंधा करेगा क्या? मैंने हम बोलना चाह रहे हैं एबिलिटी टू एंटर एंड एग्जिट जितने बार मन करे वो किसमें अलाउड? एक्सचेंज ट्रेडेड की ओटीसी. इसको बोलते हैं लिक्विडिटी. क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी. द एबिलिटी टू एंटर एंड एग्जिट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल फ्रीक्वेंटली. वो किस पे पॉसिबल है? एक्सचेंज ट्रेडेड. ओटीसी में थोड़ी कर पाएगा ये काम. ठीक है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड में नेक्स्ट पॉइंट हाईली लिक्विड. ओके, जितने बार मन करे बाई सेल करते रहो. हाईली लिक्विड और उसके अंदर लैक ऑफ लिक्विडिटी. ओटीसी में लैक ऑफ लिक्विडिटी, लैक ऑफ लिक्विडिटी. जो पर्सन का ना डॉलर पेएबल है ना डॉलर रिसीवेबल है, ना डॉलर पेएबल है ना डॉलर रिसीवेबल है,
जिसको प्योर स्पेक्यूलेशन करना है उसको 3,35,335 डॉलर से मतलब है या लिक्विडिटी से? लिक्विडिटी से उसको क्या मतलब है? 3,35,335 डॉलर 17 मार्च इसे थोड़ी मतलब है। हेजर्स को किससे मतलब है? यार मेरा कितना डॉलर पेएबल है, मेरा किस दिन का डॉलर पेएबल है, ये सब चीज कौन एंटरटेन करने वाला है? ओटीसी। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हेजिंग के लिए ज्यादा सूटेबल कौन है? फॉरवर्ड। और स्पेक्यूलेशन के लिए ज्यादा सूटेबल कौन है? फ्यूचर्स। समझ गया? स्पेक्यूलेशन मतलब तुम्हारा कोई पेएबल रिसीवेबल नहीं है, तुम ऐसे ही बेटिंग कर रहे हैं फायदा घाटा उठाने के लिए। तो फॉर स्पेक्यूलेशन लिक्विडिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड हु प्रोवाइड्स लिक्विडिटी? एक्सचेंज ट्रेडेड। फॉर हेजिंग कस्टमाइज्ड फीचर्स आर इंपॉर्टेंट, हु प्रोवाइड्स कस्टमाइजेशन? ओटीसी। लिख दे रहा नेक्स्ट पॉइंट, एक्सचेंज ट्रेडेड में मोर सूटेबल फॉर स्पेक्यूलेशन, मोर सूटेबल फॉर स्पेक्यूलेशन, मोर सूटेबल फॉर स्पेक्यूलेशन, मोर सूटेबल फॉर स्पेक्यूलेशन। और वहां पे क्या? ओटीसी में मोर सूटेबल फॉर हेजिंग, मोर सूटेबल फॉर हेजिंग, मोर सूटेबल फॉर हेजिंग। फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में दोनों में से किसमें ऐसा होता होगा कि जो लोग फॉरवर्ड या फ्यूचर्स दोनों में से एक एंटर करते हैं वो लोग बीच में कुछ नहीं करते, सीधा लास्ट डे का इंतजार करते हैं? फॉरवर्ड। ठीक है, माने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेटल्ड ऑन मैच्योरिटी ना, जनरली दे कुड बी कैंसल्ड बट दैट्स एन एक्सेप्शन, जनरली ऑन मैच्योरिटी। एंड फ्यूचर्स आर जनरली स्क्वायर्ड ऑफ प्रायर टू मैच्योरिटी। व्हाट? स्क्वायर्ड ऑफ, स्क्वायर्ड ऑफ इज ओके। बाय किए तो क्या किए? सेल। सेल किए तो क्या किए? बाय। उसी दिन, नेक्स्ट डे, कभी ना कभी। लास्ट तक ज्यादातर लोग रुकता नहीं है। और फॉरवर्ड में दे आर सेटल्ड ऑन मैच्योरिटी, फ्यूचर्स आर जनरली स्क्वायर्ड ऑफ प्रायर टू मैच्योरिटी। स्क्वायरिंग ऑफ मतलब आपका लॉन्ग पोजिशन स्क्वायर्ड ऑफ बाय शॉर्ट, शॉर्ट स्क्वायर्ड ऑफ बाय लॉन्ग। लिख देना। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स जो है उसमें दीज आर जनरली स्क्वायर्ड ऑफ प्रायर टू मैच्योरिटी, दीज आर जनरली स्क्वायर्ड ऑफ प्रायर टू मैच्योरिटी, दीज आर जनरली स्क्वायर्ड ऑफ प्रायर टू मैच्योरिटी। और ओटीसी में दीज आर जनरली सेटल्ड ऑन मैच्योरिटी, ओटीसी में दीज आर जनरली सेटल्ड ऑन मैच्योरिटी, दीज आर जनरली सेटल्ड ऑन मैच्योरिटी, सेटल्ड ऑन मैच्योरिटी। एक्सचेंज ट्रेडेड में एग्जाम्पल हो गया फ्यूचर्स, एक्सचेंज ट्रेडेड का एग्जाम्पल है फ्यूचर्स, ओटीसी का एग्जाम्पल है फॉरवर्ड एंड स्वैप, फॉरवर्ड एंड स्वैप। ऑप्शन दोनों में आते हैं, माने ऑप्शन ओटीसी भी होता है और ऑप्शन एक्सचेंज ट्रेडेड भी होता है। फ्यूचर्स केवल एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं और फॉरवर्ड और स्वैप क्या होता है? ओटीसी। ऑप्शंस बैंक के साथ भी होते हैं, ओके, और ऑप्शन एनएससी में भी होते हैं। तो ऑप्शन लाइज इन बोथ वैरायटी, आई हैव नॉट रिटन, ठीक है? तो बट फ्यूचर्स आर ओनली एक्सचेंज ट्रेडेड, फॉरवर्ड एंड स्वैप्स आर व्हाट? ओवर द काउंटर, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज ट्रेडेड एंड ओवर द काउंटर। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज थियरी, ठीक है? नेक्स्ट, विच पॉइंट? पॉइंट नंबर फाइव, पॉइंट नंबर फाइव, पॉइंट नंबर फाइव है प्लेयर्स इन द डेरिवेटिव मार्केट, प्लेयर्स इन द डेरिवेटिव मार्केट, पार्टिसिपेंट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट, प्लेयर्स इन द डेरिवेटिव मार्केट, प्लेयर्स इन द डेरिवेटिव मार्केट, प्लेयर्स इन द डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑल्सो फेल्ट दैट होता क्या है, या तो क्लास में नंबर्स वाइज सम कराओ तो मजा, या थ्योरी कराओ तो थोड़ा इंटरेस्टिंगली कराओ, ठीक है? तो अभी जो थोड़ा कंसेप्चुअल हो गया, प्लेयर्स इन द डेरिवेटिव मार्केट थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करा दे रहा, बिकॉज चेहरा थोड़ा लटका हुआ सा लग रहा है। सुनना प्लीज, कहीं ना कहीं समवेयर इन द 1880s, ओके, यूके में कोई छोटे से विलेज में, विलेज में फार्मर्स जो ना, वीट फार्मर्स, उन लोग को डर क्या चीज का? वीट का दाम बढ़ने का कि वीट का दाम गिरने का? गिरने का डर है वीट फार्मर्स, ठीक है? तो आई डोंट हैव टू मच नॉलेज और फीलिंग्स अबाउट वीट, तो कब वो उसका सीजन आता है मेरे को उतना पता नहीं है, बट व्हाटएवर वी कैन इमेजिन, वीट जब उगेगा तब उसको बेचेंगे, क्या पता दाम गिर गया। तो वीट फार्मर्स को वीट का दाम गिरने का डर, और वीट बेकरी फर्म्स जो ना, बेकरी फर्म्स जो ब्रेड बनाते हैं, वो लोग वीट बाई करेगा, वो लोग को वीट बढ़ने का डर।
तो वीट फार्मर्स को वीट गिरने का डर और वीट बेकरी फर्म्स को वीट का दाम बढ़ने का डर, दोनों एक बैनियन ट्री के नीचे मिला, इकट्ठा हुआ। क्या किया जाए, हर बार शॉक होता है, कभी तेरा लॉस होता है, कभी मेरा लॉस होता है। ठीक है, तो दोनों एग्री किया, ठीक है एक काम करते हैं, आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि 6 महीना बाद वीट फार्मर्स लोग वीट बेकरी फर्म को वीट सप्लाई करेगा एट अ सर्टेन प्राइस से, $10 पर बुशल, पर यूनिट $10 पे हम लोग वीट फार्मर्स लोग हैं, हम लोग आपको सप्लाई करेंगे 6 महीने बाद वीट $10 पर यूनिट पे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पर जितना वीट फार्मर्स था, वीट बेकरी फर्म्स उससे थोड़ा कम था, तो फार्मर्स लोग ज्यादा बेचना चाह रहा था, वीट बेकरी फर्म्स लोग कम थी खरीदना चाह रहा था। अब दो फार्मर रामू और श्यामू बच गया, पर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पाया, बाकी लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया तो इन दैट केस जो लोग देख रहा था ना, ये लोग दोनों का मीटिंग जो चल रहा था, वो लोग में से कोई बोला ठीक है चल हम तैयार है खरीदने, रामू श्यामू जोश में, हाँ अच्छा कोई तो आया बचाने वाला। तो वो जो पर्सन अलग से निकल के आया क्राउड में से खरीदने के लिए, वो पर्सन तो वीट बेकरी फर्म नहीं है, उस वो तो वीट को ना देखा ना कभी देखेगा जिंदगी में, फालतू का वो आ रहा है, वो फालतू का आ रहा है बिकॉज उसको लग रहा है वीट का दाम 6 महीने बाद 10 के ऊपर होगा कि 10 के नीचे, ऊपर होगा तभी तो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो वीट फार्मर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कर रहा है, समझ में आ रहा है यार उसके पास माल है आने वाला है, वीट बेकरी फर्म कॉन्ट्रैक्ट टू बाई कर रहा है बिकॉज उसको चाहिएगा, ये लोग दोनों जेन्युइन है। और थर्ड पार्टी अलग से आ रहा है क्राउड से, वो बोल रहा है चल रामू श्यामू को संभालने के लिए हम $10 पे तेलोक से बाई करेगा। ओके, यू विल कॉल हिम हेजर्स और स्पेक्यूलेटर, स्पेक्यूलेटर, ही इज अ स्पेक्यूलेटर ना, ही इज अ स्पेक्यूलेटर। ओके, ही इज बुलिश और बेरिश, बुलिश, ही इज एंटरिंग इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू मेक अ प्रॉफिट और टू अवॉइड अ लॉस, मेक अ प्रॉफिट, व्हाइल द फार्मर्स आर एंटरिंग इनटू डेरिवेटिव टू अवॉइड अ लॉस, ओके टू हेज। तो हेजिंग का मतलब होता है यू हैव एन एक्सपोजर, यू हैव एन एक्सपोजर, वीट के दाम चेंज होने से आपको फर्क पड़ने वाला है, यू आर एंटरिंग इनटू अ डेरिवेटिव, यू आर एंटरिंग इनटू अ डेरिवेटिव टू मेक अ प्रॉफिट और टू अवॉइड अ लॉस, अवॉइड अ लॉस, इट्स अ कंजर्वेटिव एटीट्यूड। अपने लैंग्वेज में हेजर्स लोग फट्टू है, हेजर्स लोग फट्टू है ना, एक्सपोजर था सह नहीं पा रहा तो इसलिए डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो और स्पेक्यूलेटर्स लोग में जिगरे है, ठीक है, चला के वीट में पोजीशन ले रहा है, वीट में कुछ नहीं हो लोगे, वीट का दाम बढ़े गिरे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और चला के वीट फ्यूचर्स क्या कर रहा है, बाय, तो वीट को बाय कर रहा है, फॉरवर्ड बाय कर रहा है, वो लोग को पता है ना लॉस हो सकता है अगर गिर गया वीट का दाम, तो इन दैट केस वो लोग को 10 पे खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेक्यूलेटर्स वैसा एंटिटी होता है जो लोग ये काम करते हैं। ठीक है, और कोई और एक है क्राउड में, वो ना 3-4 बैनियन ट्री में घूम रहा है, जासूस लगाए हुए, ठीक है, तो और पता लगा रहा है यहाँ पे 10 पे सौदा हो रहा है, वहां पे 10:15, वहां पे 10:30, 11, तो उनको पता चला डिफरेंस है, तो क्या किया, यहाँ पे बाई वहां पे क्या किया सेल, वो क्या कर दिया आर्बिट्राज, वो कर दिया आर्बिट्राज। तो 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स हो गए डेरिवेटिव मार्केट में, एक हो गए कौन, हेजर्स, एक हो गए स्पेक्यूलेटर्स, एक हो गया आर्बिट्राजर्स। हेजर्स हो गया फट्टू टाइप, स्पेक्यूलेटर्स हो गया जिगरा टाइप, और आर्बिट्राजर्स हो गया जो होशियार टाइप। ओके, नाउ एक मिनट, विलेज में गिना चुना बैरियन ट्री है कितना होगा कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, प्लस कितने जन जो मिलते होंगे वहां पे एग्रीमेंट करते होंगे, उसके बाद जब 6 महीना बीतता होगा तो आते ही नहीं होंगे, जा क्या बिगड़ लेगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट रिस्क हैवी है, दिख रहा होगा, उसके लिए सोचा गया क्या यार एक काम करे बैंक के साथ करते, तो वो क्या चालू हो गया ओटीसी। ठीक है, फिर लगा बैंक के साथ जो तो बड़ा बड़ा पार्टी लोग को एंटरटेन करता है, ओके छोटा छोटा रामू श्यामू को एंटरटेन नहीं करता है, तो उसके लिए क्या चालू हो गया NSE BSE। ठीक है, तो अल्टीमेटली एवरीथिंग हैज अ कोर्स एंड रीजन व्हाई इट्स डेवलप, एंड टुडे द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अगर द GDP ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी माइट बी $10 trillion, द डेरिवेटिव मार्केट इज $50 trillion। ठीक है, तो मतलब सो मच इज द नीड बाय हेजर्स स्पेक्यूलेटर्स एंड आर्बिट्राजर्स दैट इज द वॉल्यूम एंड साइज ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, तो वी हैव दीज 3 पार्टिसिपेंट, हेजर्स स्पेक्यूलेटर्स एंड आर्बिट्राजर्स। ठीक है, तो देखना प्लीज, तो प्लेयर्स इन द डेरिवेटिव मार्केट में 3 पार्ट हो गया, लेफ्ट साइड में हेजर्स, बीच में स्पेक्यूलेटर्स, स्पेक्यूलेटर्स और राइट साइड में आर्बिट्राजर्स। आर्बिट्राजर्स, ठीक है, हेजर्स स्पेक्यूलेटर्स एंड आर्बिट्राजर्स।
ओके डिस्कस करें, बिकॉज अलग से थ्योरी बनता है और प्लस तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए. हेजर्स में हम बोलने वाला है दे हैव एन एग्जिस्टिंग एक्सपोजर, दे हैव एन एग्जिस्टिंग एक्सपोजर. बेस्ट एग्जाम्पल फॉरेक्स चैप्टर, दे हैव डॉलर पेएबल और डॉलर रिसीवेबल. ठीक है, तो दे एंटर इन टू अ डेरिवेटिव, दे एंटर इन टू अ डेरिवेटिव in order to reduce the exposure, in order to reduce the exposure. Yani the intent is to avoid a loss rather than to make a profit. Theek hai, to conservative attitude hai hedges ka. Likhna, they have an existing exposure, 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 full stop. They take up a long or short position. They take up a long or short position. They take up a long or short position in the derivative. They take up a long or short position in the derivative to reduce the exposure. To reduce the exposure. To reduce the exposure. Stop. Speculator mein. They have no exposure. They have no exposure. Wheat ka daam badhne girne se koi farak nahi padne wala in logo. They have no exposure. But a strong price belief. A strong price belief. Matlab feelings. But a strong price belief. Price belief mane bolna chah raha hai bullish or bearish. Samajh gaya? या तो वो लोग बुलिश है या वो लोग क्या है बेरिश है. वो लोग का कोई बिलीफ है यार दाम ये होगा. ठीक है ना, हम तो पहले भी डायलॉग दिया हुआ याद है क्या. स्पेक्यूलेशन के लिए तीन चीज चाहिए. नंबर वन फीलिंग्स, देखो लगना तो चाहिए क्या होगा, लग ही नहीं रहा तो घर पे बैठ. नंबर टू पैसा, और नंबर थ्री जिगरा, लॉस खाने को तैयार है क्या. तीन चीज चाहिए ना स्पेक्यूलेशन के लिए. तो स्पेक्यूलेशन में लिखा दे हैव नो एक्सपोजर बट अ स्ट्रॉन्ग प्राइस बिलीफ. ठीक है, फुल स्टॉप. दे टेक अ They take a long or short position. They take a long or short position in the derivative. They take a long or short position in the derivative. Long or short position in the derivative to profit from their price belief. They take a long or short position in the derivative to profit from their price belief. To profit from their price belief. To profit from their price belief, knowing fully well that they can lose, knowing fully well that they can lose. Iska matlab himmat hai na, loss ho sakta hai, wo jante hue bhi enter kar rahe. Knowing fully well that they can lose. Ye speculators ho gaya, arbitrages dash. These are sophisticated institutions. These are sophisticated institutions. Sophisticated institutions who invest human and physical infrastructure. Who invest human and physical infrastructure. You understanding kya dictate kar rahe hain? कि आर्बिट्राज करने के लिए एक तो दिमाग चाहिए, तो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सॉफ्टवेयर मॉडल्स. तो इन्वेस्ट ह्यूमन एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिस्कवर मिस प्राइसिंग, टू डिस्कवर मिस प्राइसिंग, टू डिस्कवर मिस प्राइसिंग. काश पता चल जाए कहां पे मिस प्राइसिंग है. टू डिस्कवर मिस प्राइसिंग, फुल स्टॉप. अकॉर्डिंगली दे टेक अप. Accordingly, they take up simultaneous. They take up simultaneous long and short position. They take up simultaneous long and short position. They take up simultaneous long and short position with a view to make. With a view to make. Kya likha hai? Riskless profit ya risky profit? Riskless profit, with a view to make riskless profit. Speculator ko shayad fayda hoga, arbitrage ko fayda hoga hi. Theek hai? With a view to make riskless profit.
प्लीज अंडरस्टैंड पूरे के पूरे डेरिवेटिव चैप्टर में कॉमन थ्रेड है, वो कॉमन थीम ये है कि ऑल डेरिवेटिव्स आर प्राइस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्राज प्रिंसिपल। मतलब कोई भी डेरिवेटिव का प्राइस क्या होना चाहिए, वो प्राइस होना चाहिए जिससे आर्बिट्राज हो कि आर्बिट्राज नहीं हो, नहीं हो, मतलब इट इज आर्बिट्राज विच एलिमिनेट्स आर्बिट्राज, इट इज आर्बिट्राज विच एलिमिनेट्स आर्बिट्राज। अगर कोई चीज अंडर प्राइस था और कोई चीज ओवर प्राइस था तो आर्बिट्राज लोग इतना बुरी तरह से पीछे पड़ा कि जो अंडर प्राइस था उसको क्या किया, बाय बाय बाय, तो उस पर दाम बढ़ा दिया, और जो ओवर प्राइस था क्या किया, सेल सेल सेल, और अल्टीमेटली दाम वही हो गया जो होना चाहिए। मतलब व्हाट इज इट दैट एलिमिनेट्स आर्बिट्राज, द आंसर इज व्हाट, आर्बिट्राज। आर्बिट्राज ही तो आर्बिट्राज को हटाता है, ठीक है। अगर कोई आर्बिट्राज नहीं करता तो मिस प्राइसिंग रह जाता। तो अपने पूरे के पूरे SFM में जो भी इक्वेशंस यूज करेंगे उनका अजम्पशन ये रहेगा कि मार्केट्स हैव बिकम एफिशिएंट बिकॉज ऑफ आर्बिट्राज एक्टिविटी एंड नाउ द प्राइस इज सच दैट नोबडी कैन कैरी आउट व्हाट, आर्बिट्राज। तुमको अगर वेग लग रहा है कि नो इट इज ओके व्हाट यू आर सेइंग बट आई नीड एग्जांपल्स, यू हैव डन द एग्जांपल्स, हाउ आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइस्ड एज पर IRP, हाउ इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस्ड, F/S इक्वल टू 1+NIA डिवाइड बाय 1+NIB, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी तो डेरिवेटिव है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज प्राइस्ड एज पर IRP टू प्रिवेंट विच आर्बिट्राज, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज, दैट्स द एग्जांपल, ठीक है, कि फॉरवर्ड का दाम ये क्यों होना चाहिए, बिकॉज ये नहीं हुआ तो लोग कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज कर देंगे ना। तो ऑल डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कॉल पुट, दे आर प्राइस्ड बाय डिफरेंट फॉर्मूलाज। फॉर्मूला अलग अलग आएगा और कॉम्प्लिकेटेड आएगा, बट फॉर्मूला के पीछे जो लॉजिक होगा वो एक ही होगा, क्या दाम होना चाहिए जिससे आर्बिट्राज हो कि नहीं हो, नहीं हो, ठीक है। लिख देना वो चीज नीचे अलग से नोट, ऑल डेरिवेटिव्स आर प्राइस्ड, ऑल डेरिवेटिव्स आर प्राइस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ, ऑल डेरिवेटिव्स आर प्राइस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ, all derivatives are priced according to the prevention of arbitrage principle, all derivatives are priced according to the prevention of arbitrage principle, all derivatives are priced according to the prevention of arbitrage principle, prevention of arbitrage principle, full stop, last point, point number 6, though point number 6 जिससे अपना इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6 लिखना अपना पॉइंट है, सपोज इसमें डिस्कस कर रहे हैं अपने, याद ही नहीं आ रहे, नहीं नहीं सोचता है, पॉइंट नंबर 6 में एक और पॉइंट मेरे को डिस्कस कर रहे हैं, हाँ लिखो व्हाई, क्या नहीं नहीं लिखो, पॉइंट नंबर 6, व्हाई डेरिवेटिव्स आर प्रेफर्ड ओवर कैश मार्केट, ये थियोरी आए हुए, वाई डेरिवेटिव्स आर प्रेफर्ड ओवर कैश मार्केट, वाई डेरिवेटिव्स आर प्रेफर्ड ओवर कैश मार्केट, वाई डेरिवेटिव्स आर प्रेफर्ड ओवर कैश मार्केट। मतलब स्टॉक्स भी तो है ना, तुम बुलिश है तो शेयर बाई कर लो, ठीक है, तो पर शेयर्स के बजाय कोई फ्यूचर्स या ऑप्शंस को क्यों प्रेफर करता है, वाई डेरिवेटिव्स आर प्रेफर्ड ओवर कैश मार्केट, उसके ऊपर थियोरी आए हुए। Now, the most important reason why derivatives are preferred over cash market is leverage. What is it? Leverage. Leverage ka matlab, kamti paisa laga ke jyada exposure lena. 50 lakh ka futures position liye, aur paisa diye keval 5 lakh. Mane 5 lakh rupiya margin jama karke, itna bada position na. Aur shares buy karne jayenge, to margin lega ya pura paisa? Pura paisa. Theek hai to? Aur futures mein to keval margin dena padega, aur bada exposure, leverage. Now please understand, leverage is a double-edged sword. It amplifies the financial consequences, amplifies. मतलब अगर आपको futures में फायदा हो गया, फायदा, तो आपने पैसा तो कमती लगाया था, तो जब return on investment निकालोगे ना, फायदा by investment into 100, तो big आएगा, because the investment was small, ठीक है तो, और अगर loss हो गया, तो फिर से loss by investment into 100 क्या आएगा, big. I am trying to say, good returns become really very good. The returns around 400% are possible and bad returns become really very bad. Okay? So derivatives provide leverage. Kamti paisa laga ke jyada exposure. This se profit ya loss chote base pe ho rahe. So percentage effect kya hai? Higher.
देखा, एक तो वो चीज है, दूसरा डेरिवेटिव्स में लिक्विडिटी ज्यादा होता है. क्या ज्यादा? लिक्विडिटी. कैश के मुकाबले रिलायंस का शेयर बाई सेल करना चाहेगा, उसके बजाय रिलायंस का फ्यूचर्स बाई सेल करेगा, बायर सेलर जल्दी मिलेगा. ठीक है, तो लिक्विडिटी इज हायर इन डेरिवेटिव्स. तीसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज लोअर, सारा कमीशन वगैरह डेरिवेटिव में कमती है एज कंपेयर टू कैश सेगमेंट. ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज लोअर, तो यू हैव अ. और प्लस डेरिवेटिव में शॉर्ट करना कितना इजी है. अपने तो पूरे एसएफएम में हम बोलते हैं कि एसएफएम इज नॉट बेस्ड ऑन रेगुलेटरी अजम्पशन, तो हर जगह हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्ट सेल द शेयर लिखते हैं ना. चीप है तो बाय और रिच है तो शॉर्ट, बट एक्चुअली शॉर्ट सेलिंग तो अलाउड नहीं है. कितने सारे कंट्रीज में शॉर्ट सेलिंग इज नॉट अलाउड, कितने सारे कंट्रीज में शॉर्ट सेलिंग इज रिस्ट्रिक्टेड. तो अपने तो एसएफएम में लिख देते हैं शॉर्ट, बट एक्चुअली तो शॉर्ट पॉसिबल नहीं है, बट डेरिवेटिव में तो शॉर्ट करना एकदम ईजी है. फ्यूचर्स चल रहा है, तुम्हारा मन है एफ प्लस करो, तुम्हारा मन है एफ माइनस करो, कौन रोके. तो शॉर्टिंग इज इजी इन द कैश मार्केट और इन द डेरिवेटिव मार्केट. डेरिवेटिव मार्केट, तो दीज आर द रीजंस. मैंने चार रीजन दिए, एक क्या दिया, लेवरेज, दूसरा लिक्विडिटी, तीसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट और चौथा शॉर्टिंग. दीज आर द फोर रीजंस व्हाई डेरिवेटिव्स आर प्रेफर्ड ओवर द कैश मार्केट. ठीक है, लिख देना. तो रीजंस है, डेरिवेटिव्स प्रोवाइड लेवरेज. पहला रीजन, डेरिवेटिव्स प्रोवाइड लेवरेज. ओके, लेवरेज का मीनिंग हो गया टेकिंग अ बिग एक्सपोजर बाय पुटिंग इन अ स्मॉल अमाउंट. टेकिंग अ बिग एक्सपोजर बाय पुटिंग इन अ स्मॉल अमाउंट. टेकिंग अ बिग एक्सपोजर बाय पुटिंग इन अ स्मॉल अमाउंट. केवल मार्जिन देके बड़ा सौदा करते. ठीक है, तो डेरिवेटिव्स प्रोवाइड लेवरेज. टेकिंग इन अ बिग एक्सपोजर, टेकिंग अ बिग एक्सपोजर बाय पुटिंग इन अ स्मॉल अमाउंट. सेकेंड पॉइंट, derivatives have higher liquidity. Derivatives have higher liquidity. Okay, buyer seller सौदा फटाफट होगा. Derivatives have higher liquidity. Third point, derivatives have lower transaction cost. Derivatives have lower transaction cost. Lower transaction cost. And चौथा, shorting, shortting, shorting is easier, shorting is easier done through derivatives, shorting is easier done through derivatives, shorting is easier done through derivatives. Short selling jo hai wo derivative ke through aasan hai, is easier done through derivatives. Now frankly speaking, question to sabhi aaye hue hain, what is derivative bhi aaye hue, but abhi to zindagi mein kabhi what is derivative aayega nahi, kabhi 2099 mein aaya hoga. ठीक है, पूरा जो लिखे है उसमें थियरी वाइज केवल एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ओटीसी वर्सेस व्हाट, एक्सचेंज ट्रेडेड, और बाकी सब पिकअप ऑफ दी अदर टॉपिक्स जो करेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, ओके, दैट इज वेयर वी एंड. ठीक है, तो अपना डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन हुआ, आज कोई होमवर्क नहीं है.